हेलो दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ रामबाण फिल्म के बारे में, जो 2023 की भारतीय तमिल भाषा की और तेलुगु भाषा की फिल्म है, जिसे निर्देशक श्री निवास द्वारा और भूपति राजा के निर्देशन में लिखी गई और कहानी पर जोर दिया गया। इसमें गोविंद चंद, डिंपल, हाइस और जगपति बाबू, नायर्स, निवेल्स, किशोर, तिरवंत अरोरा और सचिन खेड़कर जैसे कलाकारों की टुकड़ी है। इसका निर्माण पीपल मीडिया फैक्ट्री के तहत टीजी विश्वास प्रसाद और विवेक कुची भोटपा ने किया था, जहां पर साउंडट्रैक और बैकग्राउंड को स्कोर की रचना की और मिक जे मेयर के साथ काम किया। इसके निर्देशक में श्रीनिवास है, वहीं पाठकथा के लेखक भी श्रीनिवास है। वहीं संपादक की बात करें तो मधुसूदन दंपति है, वहाँ कहानी भूपति राजा द्वारा दिया गया। वहीं इसकी उत्पादन टीजी विश्व श्री प्रसाद और विवेक कुचिमभोटा के साथ देखा गया। अभिनेता के रूप में गोविंद चंद, डिंपल, हाईस्ट्रीट और जगपति बाबू है। छायाखान के रूप में वेलिंग और पायलन सीमा है। जहाँ पर बात किया जाता है इसका संपादक की तो परवीन मोडी है। वहीं संगीत को मिकी जे मेयर द्वारा दिया गया और इसकी प्रोड्यूसर कंपनी लोग मीडिया फैक्ट्री रखी गई। यह रिलीज की तारीख 5 मई 2023 रखी गई। यह कार्यक्रम समय 140 मिनट रखा गया। यह भारत के तेलुगु भाषा के साथ इसे लॉन्च किया गया। रामबाण को 5 मई 2023 को दुनिया भर में रिलीज कर दिया और आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली। कोलकाता के एक गैंगस्टर विक्की को पता चला कि उसका भाई राजा राम जी के से खतरे में है, जो खादी धोखाधड़ी का कारोबार चलाता है और अपनी प्रेमिका भैरवी के साथ सुलझाने और सुलझाने के बाद उसे मुद्दे को संभालने के साथ उसकी रक्षा करने का फैसला करता है, जिसके बाद काफी ज्यादा मुक्त रूप से इसे देखा जाता है और यह फिल्म 5 मई को रिलीज कर दिया जाता है। रामबांध को आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली। द टाइम्स ऑफ इंडिया के नीतीश न्यायपति ने लिखा कि रामबांध का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें पेशकश करने के लिए कुछ भी नहीं है और यह एक जो पेशकश करता है वह सादा उपजाऊ है, जो 123 तेलुगु में 5 में से 2.5 स्टार दिया गया। और लिखा गया कि रामबाण नियमित व्यावसायिक पोटा बोलर है, जिसमें कोई नया नाप नहीं है। गोविंद चंद का प्रदर्शन पहली 6 माह में कुछ कॉमेडियन दृश्य और एक्शन सीक्वेंस फिल्म में केवल प्लान पोस्टिस के साथ द हिंदू भुवनेश्वर चंद्र ने लिखा और निर्देशन किया, जहां पर श्रीनिवास की पहली व्यावसायिक मनोरंजन पैकेज के करने में के साथ अपने प्रयासों में विफल रही, जहां पर केवल इसकी पेदाचिरी कथनांक की गई, जिसका क्षमा और भटकाने के लिए मामले को कदरन बनाने का इसमें अजीबोगरीब चुटकुटाते हास किए गए। बताया जाता है कि यह फिल्म काफ़ी बेहतरीन है और इसे काफ़ी ज़्यादा दर्शकों ने भी पसंद किया और अच्छा रिस्पॉन्स किया। जहाँ पर देखा जाए तो इसकी समीक्षा की ओर आगे बढ़ता है और सिनेमा एक्सप्रेस के साथ देखे जाते हैं और 5 में से केरुकुलिक द्वारा 2.5 स्टार लिखा गया, और जबकि फिल्म को पहलू स्पष्ट रूप से इसके पक्ष में काम करते चाहते हैं वह स्पष्ट अंतर्राष्ट्रीय स्थानों में शूट किए गए, जहां पर 3 अनमोल रोमांटिक नंबर हो या इसके असंबंध गलत विरोधी रमा बनम भी भारी लड़खड़ाते अपर्याप्त संघर्ष या परिणामों के बिना अपने नायक के ऊपर उठाने के अपने बड़े पैमानों का अनुपात दृष्टिकोण कारण के OTT प्लेट के श्री त्वंश के सदा धूर्ण के साथ काम किया। 5 में से 2 सितारे दिए गए और लिखा गया कि रामबाण थकाव देने वाला व्यावसायिक मनोरंजन फिल्म है, जो शुरू से ही सहनीय है लेकिन मध्यांतर के बाद इज्जत खो देता है। जहां पर गोविंद चंद जरूरतमंद करते हैं लेकिन लेखक और दृश्य प्रभाव करने के लिए बहुत कुछ करती है और जीवन को दो भाइयों के इर्द गिर्द अजमाए और परखे हुए खाक में बदलना चाहती है। जहां पर फिल्म के कॉम्पिनियन के साथ राम वेंकट और श्रीकर द्वारा लिखा गया, रामबांध को एक कई नाटकीय क्षणों के आवश्यकता जी था, जो पात्रों और नाटक की कृतिमन से परे था, जो एक बिंदु पर चरित्र मजाक में तारीफ करता था। वहीं पर समीक्षा की और बात किया और इसको आगे बढ़ाया, जहां पर फिल्म के कंपनियों वेंकटिया द्वारा राम द्वारा लिखे गए और नाटकीय क्षणों को आवश्यक था, जो पात्रों और नाटक के कृतिन से परे थे और एक बिंदु पर एक चित्रण के मजाक में तारीफ करता कि राजा
राम पर घर शूटिंग स्थान करता है और मोयाजाजे तारीफ करता है। जहाँ पर राम बांध के शूटिंग जितना अच्छा दिखता है ऐसा इसलिए है क्योंकि यह वास्तव में शूटिंग का स्थान है। बिल्कुल यह जैसा दिखता है दृश्य मंच अभिनेता के साथ फ्रेम आबाद करके मुश्किलों का संवाद बोलना पड़ता है। दृश्य के कुर्तमियों से कृति का प्रस्तुति करता है। बताया जाता है कि इसका अभिनेता की बात करें तो गोविंद चंद है। कहा जाता है कि गोविंद चंद का पूरा नाम टेटो पुड़िक गोविंद चंद है, जिनका जन्म 12 जून 1989 को एक भारतीय अभिनेता के रूप में हुआ, जो प्रमुख रूप से तेलुगु सिनेमाओं में काम करते और एक्शन फिल्मों में अपनी फिल्मों के साथ जाने जाते हैं। और उन्होंने मुख्य अभिनेता थोली वालाई के साथ 2001 के साथ अपनी शुरुआती की और जयम के साथ 2002 और निजम 2003 के वर्षम 2004 जैसी फिल्मों के विरुद्ध के साथ भूमिका के बाद 2004 के अवज्ञन के साथ सफलता मिली। वहीं पर बताया गया कि यह फिल्म काफ़ी बेहतरीन है और इसके उल्लेखनीय कृतियों के यह बात किया गया और इन्होंने बहुत सारे फिल्मों में काम किया। इनकी प्रारंभिक जीवन की बात करें तो गोविंद चंद का जन्म आंध्र प्रदेश के प्रकाश जिले के तिरुवंतरम पास एक गांव में हुआ था। वह फिल्म निर्माता टी कृष्णन के छोटे बेटे थे और 8 साल के थे तभी पिता की मृत्यु हो गई थी। उन्होंने नी डेस्परोइड द्वारा उगेन के साथ उनके पिता का स्थापित और रामकृष्ण मिशन स्कूल चेन्नई के स्कूल शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने रूस में मैकेनिक इंजीनियरिंग का अध्ययन किया। उनके बड़े भाई प्रेमचंद्र के मुथैया सुबियान के अधीन एक सहयोगी निदेशक थे और उन्होंने निर्देशन के रूप में काम करना शुरू कर दिया। हालांकि एक कार दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। गोविंद चंद का वक्त रूस में थे और वीजा संबंधित दिक्कतों के चलते उनके अंतिम संस्करण में शामिल नहीं हो सके। उनकी एक छोटी बहन भी है जो दत्तक चिकित्सक है। अपनी इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद उन्होंने अपनी पिता के विरासत को जारी रखने के लिए फिल्मों में अपना करियर बनाने का फैसला किया और 1 साल के लिए डायलॉग मोस्टिड्यूलेशन कोर्स किया, जहाँ पर वह प्रभास भी वामसी रेड्डी और बाद में दो प्रमोद उपपत्ति के करीबी दोस्त हैं जो यूवी क्रिएट्स के मालिक हैं, जो तेलुगु सिनेमाओं के रूप में प्रोड्यूसर हाउस हैं। गोविंद चंद ने फिल्म को अथोली के वालप्पुई के साथ मुख्य भूमिका निभाई। उन्होंने अपनी अगली फिल्मों में जय निजाम और वामसम के नकारात्मक भूमिका निभाई, जहां पर जय में उनके प्रदर्शन के प्रति सकारात्मक स्वागत के बाद की गई, जहां पर उन्होंने अपने फिल्म तमिल भाषा और उसी दृश्य के रीमेक के साथ अपने करियर की आर दोहराई। वहीं पर 2004 में अवज्ञा 2005 के अद्वंत फिल्मों के साथ नायक के रूप में अपनी वापसी की। 2006 में उन्होंने व्यावसायिक रूप से सफलता हासिल किया और राम नाम के साथ देखे गए और उनकी बात की, जहाँ पर अपने व्यवसायिक को सफल बनाने के बाद रामवंत और व्यावसायिक रूप से असफल रूप से सफल राम का साथ मिला, जहाँ पर उनकी 2007 में रिलीज ओका नायडू और लक्ष्मय और 2008 की रिलीज ओटी आरी है, जो सौंदर्य के साथ उनको एक बार फिर से खूबसूरत संयम को रिलीज करती है। उनकी रिलीज 2010 के गोविंद मार में हुआ था। उन्होंने वास्तविक जीवन पुलिस वाले दायक नायक से प्रेरित एक मुठभेड़ विशेषज्ञ की भूमिका निभाई थी और देखा था। वहीं पर 2011 में उन्होंने मोगुड और वांटेड में अभिनय किया, लेकिन दो अन्य व्यावसायिक में काम करने के बाद के रूप असफल रही। 2013 में उन्होंने एक्शन एडवेंचर फिल्म सहायस के लिए निर्देशन शुरू किया और चंद्रशेखर रियल्टी के ओक्योंड द्वारा बाद के बाद साथ फिर से काम किया गया, जो उस समय उनकी सबसे बड़ी व्यावसायिक रूप से सफलता मिल गई और बन गई। 2004 में उन्होंने कोयला में व्यावसायिक रूप से अभिनय किया और उनकी सबसे सफल फिल्म बन गई। 2015 में उन्होंने जिले और कुख्यात में अभिनय किया, जहां पर 2017 के साथ उन्होंने अभिनय किया और गौतम नंदा को ओजिशन, जो व्यावसायिक रूप से असफल रहे। वहीं उनकी अगली फिल्म आराम बुलेट के साथ उसने असली रिलीज के होने के बाद की गई, लेकिन 2021 के साथ अपने काम किया गया और यह नियमित नाटक के बन गई, जिसमें एक और झटका लगा और उन्होंने पथक में एक
सतर्क व्यक्ति की भूमिका निभाई, जो 25वीं फिल्म थी। 2019 में चाणक्य के एक जासूसी भूमिका निभाई, जहां पर सितंबर 2021 के संपत नंदिनी द्वारा निर्देशित स्पोर्ट्स एक्शन के सीतामरण को सकारात्मक समीक्षा मिली और बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। फिल्म के सह कलाकारों और तमान्य विवाह के साथ सूर्यवंशी की भूमिका के चावला के साथ उन्होंने एक अन्य फिल्म पक्का करिश्माइक पर काम किया, जो मूर्ति के साथ निर्देशन में किया गया था और मूवी क्रिप्ट द्वारा दो पिक्चर्स द्वारा निर्मित किया गया था। कहा जाता है कि जिसमें नायक की भूमिका के रूप में राशि खन्ना की श्रीनिवास द्वारा निर्देशित और उनकी अगली फिल्म रामनाजी द्वारा 2023 को घोषित किया गया था। और यह फिल्म श्रीनिवास और गोविंद चंद के हैट्रिक संयोजन की वापसी का प्रतीक है, जो गोविंद चंद के 30 फिल्मों के रूप में चिन्हित किया। वहीं पर उनका और पालन पोषण आंध्र प्रदेश के तिरुवनंतपुरम में हुआ था और उन्होंने 2013 के तेलुगु अभिनेता श्रीकांत के भतीजा रेशमा के शादी के साथ इस जोड़ी के दो बेटों के साथ किया था, समीक्षा की और बात किया और इन्हें पुरस्कार भी मिला। वहीं पर देखा जाता है कि यह फिल्म काफ़ी बेहतरीन है, जहां पर अपनी भूमिका के साथ देखे गए। वहीं पर डिम्पल हायती है, बताया जाता है कि डिम्पल हायती जो भारतीय अभिनेत्री है, जो प्रमुख रूप से तेलुगु सिनेमाओं में काम करती। बताया जाता है कि हायती का जन्म आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में हुआ था, जो तमिल पिता और तेलुगु भाषी माँ के घर में हुआ था। उनका पोषण हैदराबाद में हुआ था, पालन पोषण और उनका जन्म डिम्पल कबाडिया के रूप में हुआ था, लेकिन बाद में संख्यात्मक कारणों और अपना अंतिम नाम हायती के साथ एक साथ जोड़ लिया। हायती को 19 साल की उम्र में तेलुगु के फिल्म गल्फ में 2017 में डेब्यू करने का मौका मिल गया और अपने करियर की शुरुआत के बाद हायती ने द्विभाषी फिल्मों देवी टू के साथ 2019 में अभिनय करके पहले एक तेलुगु फिल्म यूरके से अभिनय किया, जहां पर उनकी अगली उपस्थिति थी। फिल्म गोना कोंडा में गणेश 2019 के वरुण तेजा और अरवंत के साथ एक लाइटोम नंबर्स जारी गीत के साथ देखा गया, समीक्षा की और बात किया और आरएस शरद कुमार में देखा जाता है। वहीं पर कहा गया कि यह फिल्म काफ़ी बेहतरीन है, जिसके फिल्म के कोरियोग्राफर को भी पसंद किया गया। वहीं पर अभिनेता के रूप में आखिरकार जगपति बाबू भी नजर आए हैं। जगपति बाबू का पूरा नाम वीरांत चेची जगपति चौधरी है, जिनका जन्म 12 फरवरी 1962 को हुआ, जिन्होंने पेशेवर रूप से जगपति बाबू उच्चारण सहायक जानकारी के नाम से जाना जाता और एक भारतीय अभिनेता है, जो प्रमुख रूप से तेलुगु सिनेमाओं में काम करने के लिए जाने जाते हैं और कुछ तमिल कन्नाडा और मलयालम फिल्मों में भी दिखाई देते हैं। 33 साल की उम्र में बाबू ने फिल्म का पुरस्कार जीता और साथ आत राजी नंदिनी पुरस्कार प्राप्त किया। वहीं पर बात करें तो इनकी प्रारंभिक जीवन की, तो जगपति बाबू का जन्म 12 फरवरी 1962 को मछिलपट्टनम के अनुभवी निर्माता निर्देशक बीबी राजेंद्र प्रसाद के घर हुआ था, जो तेलुगु सिनेमाओं में अपनी पहचान बनाने से पहले उन्हें चेन्नई तमिलनाडु के लायक बनने और लक्ष्मी शादी करने के दो बेटी के साथ देखा गया। बाबू ने तेलुगु सिनेमा सर्वप्रथम 1989 में अपने शुरुआत किया, जो पिता द्वारा निर्मित पीबी मधुसूदन राव पर निर्देशित था। उसी वर्ष उन्होंने एडवोन अभिनय मडून में अभिनय किया और उनके अभिनय के व्यावसायिक सफल रही। 1992 के रिलीज के साथ की गई और पोरांती के साथ काम पर देखा गया, जहां पर 1993 में राम गोपाल वर्मा द्वारा निर्देशित गायक के रूप में अपनी सफलता हासिल की। उन्होंने एस बी कृष्णन रेड्डी द्वारा निर्देशित मावी चूरन में काम किया और अपने भूमिका के लिए 1996 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार जीता, समीक्षा की और 1997 में सुभाष कासु और पेल्लानी के पंडिर जैसी रनवेट हिल फिल्म देखी गई। वहीं पर 1998 में उन्होंने अवंतपुरम के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और नंदिनी पुरस्कार जीता। उन्होंने थिएटर के मनोहरम में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता और 2003 में उन्होंने गड़बड़ी अथावे ओकाल्स के साथ कर दिया, जहां पर बात करते हुए कला प्रदर्शन द्वारा सिनेमा में उनके योगदान के लिए
सुना गया और भूषण पुरस्कार मिला। उनकी पहली तमिल मद्रासी फिल्म है जो 2012 के तमिल एडवॉम में प्रतिस्पर्धित के रूप में दिखाई दी। इसके बाद जय बोलो गंगा के मुख्य भूमिका निभाई जिसमें 5 नंदनी पुरस्कार जीते और 2012 में उन्होंने कनाडा फिल्म बचपन के साथ पुलिस के रूप में शुरुआत किया। 2014 के बाद बाबू ने अपनी पहली पसंद भूमिका में पूरी तरह से बदल लिया जिससे वे दूसरी पारी कहते हैं और बाबू को तब तक एक प्रमुख अभिनेता थे जो अपने करियर के क्रावोग्राफर को बनाए रखते हैं और विरोधी को सहायक भूमिका निभाते हैं और वह एक सफल फैसला करते हैं। इसमें पहली नंदमूरी बालकृष्ण स्टार लेजर द्वारा काम किया गया और समीक्षा के साथ देखा गया जिसमें बार बार एक विरोधी की भूमिका को उजागर किया और जितेश सारथी द्वारा निर्मित के साथ बताया गया। वहीं प्रदर्शन की गई और प्रशंसा भी किया गया जहां पर रजनीकांत के साथ नकारात्मक तो भूमिका के साथ 2015 में देखा गया। बताया जाता है कि यह फिल्म काफ़ी बेहतरीन है और काफ़ी अच्छी है। वहीं पर 2018 में रंगस्थल सुकुमार के निर्देशन बाबू और नामांकन गाँव के दमनकारी के साथ भूमिका निभाई जहाँ पर 2 मिलियन से अधिक कमाई की और रंगस्थल उस वर्ष का सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म था। और इसके साथ ही पता चला कि गुंडाचारी में एक बांग्लादेशी आतंकवादी की भूमिका निभाई जो एक स्लीपर हिट बन गई। उनकी भूमिका को त्रिवंत श्रीवास द्वारा निर्देशित और अरविंद समिता के वीरा राघव द्वारा तैयार किया गया और 2018 को उनके करियर की बेहतरीन प्रदर्शनों के रूप में जाना जाता है। 2019 में उनके उल्लेखनीय रचना महर्षि थियाईस नरसिम्हा रेड्डी के साथ महत्वपूर्ण भूमिका के लिए देखे गए। बताया जाता कि यह फिल्म काफ़ी बेहतरीन है और काफ़ी अच्छी है। रामबन 2023 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन थिएटर फिल्म के निर्देशक है जो श्रीनिवास के भूपति राजा द्वारा लिखित और कहानी पर किया जहां पर इसमें गोविंद चंद के डिंपल कवाडिया अरोरा और सचिन खेटकर जैसे कलाकारों की टुकड़ी इसका निर्माण और पीपल मीडिया ट्रैफिक के तहत टीजा विश्व प्रसाद और विवेक कुछ भोटा के साथ देखे गए जहां पर साउंड ट्रैक और बैकग्राउंड स्कोर की रचना मिक मेजर द्वारा किया गया। समीक्षा की और बात की और यह कहा। हेलो दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ रामबाण फिल्म के बारे में जो 2023 की भारतीय तमिल भाषा की और तेलुगु भाषा की फिल्म है जिसे निर्देशक श्री निवास द्वारा और भूपति राजा के निर्देशन में लिखी गई और कहानी पर जोर दिया गया। इसमें गोविंद चंद, डिंपल, हाइस और जगपति बाबू नायर्स, निवेल्स किशोर, तिरुवंत अरोरा और सचिन खेड़कर जैसे कलाकारों की टुकड़ी है। इसका निर्माण पीपल मीडिया फैक्ट्री के तहत टीजी विश्वास प्रसाद और विवेक कुची भोटपा ने किया था जहां पर साउंडट्रैक और बैकग्राउंड को स्कोर की रचना की और मिक जे मेयर के साथ काम किया। इसके निर्देशक में श्रीनिवास है। वहीं पाठकथा के लेखक भी श्रीनिवास है। वहीं संपादक की बात करें तो मधुसूदन दंपति है। वहाँ कहानी भूपति राजा द्वारा दिया गया। वहीं इसकी उत्पादन टीजी विश्व श्री प्रसाद और विवेक कुचिमभोटा के साथ देखा गया। अभिनेता के रूप में गोविंद चंद, डिंपल, हाईस्ट्रीट और जगपति बाबू है। छाया खान के रूप में वेलिंग और पायलन सीमा है। जहाँ पर बात किया जाता है इसका संपादक की तो प्रवीण मोडी है। वहीं संगीत को मिकी जे मेयर द्वारा दिया गया और इसकी प्रोड्यूसर कंपनी लोक मीडिया फैक्ट्री रखी गई। यह रिलीज की तारीख 5 मई 2023 रखी गई। यह कार्यक्रम समय 140 मिनट रखा गया। यह भारत के तेलुगु भाषा के साथ इसे लॉन्च किया गया। रामबाण को 5 मई 2023 को दुनिया भर में रिलीज कर दिया और आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली। कोलकाता के एक गैंगस्टर विक्की को पता चला कि उसका भाई राजा राम जी के से खतरे में है जो खादी धोखाधड़ी का कारोबार चलाता है और अपनी प्रेमिका भैरवी के साथ सुलझाने और सुलझाने के बाद उसे मुद्दे को संभालने के साथ उसकी रक्षा करने का फैसला करता है जिसके बाद काफी ज्यादा मुक्त रूप से इसे देखा जाता है और यह फिल्म 5 मई को रिलीज कर दिया जाता है। रामबाण को आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली। द टाइम ऑफ इंडिया के नीतीश न्यायपति ने लिखा कि रामबाण का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें पेशकश करने के लिए कुछ भी नहीं है और यह एक जो पेशकश करता है वह सादा उपजाऊ है जो 123 तेलुगु में 5 में से 2.3
5 स्टार दिया गया और लिखा गया कि रामबान नियमित व्यावसायिक पोटा बॉलर है जिसमें कोई नया नाप नहीं है। गोविंद चंद का प्रदर्शन पहली छमाही में कुछ कॉमेडियन दृश्य और एक्शन सीक्वेंस फिल्म में केवल प्लान पोस्टिस के साथ द हिंदू भुवनेश्वर चंद्र ने लिखा और निर्देशन किया, जहां पर श्रीनिवास की पहली व्यावसायिक मनोरंजन पैकेज के करने में के साथ अपने प्रयासों में विफल रही, जहां पर केवल इसकी पेदाचिरी कथनांक की गई जिसका क्षमा और भटकाने के लिए मामले को कदरन बनाने का इसमें अजीबोगरीब चुटकुटाते हास किए गए। बताया जाता है कि यह फिल्म काफ़ी बेहतरीन है और इसे काफ़ी ज़्यादा दर्शकों ने भी पसंद किया और अच्छा रिस्पॉन्स किया। जहां पर देखा जाए तो इसकी समीक्षा की ओर आगे बढ़ता है और सिनेमा एक्सप्रेस के साथ देखे जाते हैं और 5 में से केरुकुलिक द्वारा 2.5 स्टार लिखा गया और जबकि फिल्म को पहलू स्पष्ट रूप से इसके पक्ष में काम करते चाहते हैं वह स्पष्ट अंतर्राष्ट्रीय स्थानों में शूट किए गए, जहां पर 3 अनमोल रोमांटिक नंबर हो या इसके असंबंध गलत विरोधी रमा बनम भी भारी लड़खड़ाते अपर्याप्त संघर्ष या परिणामों के बिना अपने नायक के ऊपर उठाने के अपने बड़े पैमानों का अनुपात दृष्टिकोण कारण के OT2 प्लेट के श्री त्वंस के सदा धूर्ण के साथ काम किया। 5 में से 2 सितारे दिए गए और लिखा गया कि रामबान थकाव देने वाला व्यावसायिक मनोरंजन फिल्म है जो शुरू से ही सहनीय है लेकिन मध्यांतर के बाद इज्जत खो देता है, जहां पर गोविंद चंद जरूरतमंद करते हैं लेकिन लेखक और दृश्य प्रभाव करने के लिए बहुत कुछ करती है और जीवन को 2 भाइयों के इर्द गिर्द अजमाए और परखे हुए खाक में बदलना चाहती है। जहां पर फिल्म के कॉम्पिनियन के साथ राम वेंकट और श्रीकर द्वारा लिखा गया रामबांध को एक कई नाटकीय क्षणों के आवश्यकता जी था जो पात्रों और नाटक की कृतिमन से परे था, जो एक बिंदु पर चरित्र मजाक में तारीफ करता था वहीं पर समीक्षा की और बात किया और इसको आगे बढ़ाया। जहां पर फिल्म के कंपनियों वेंकटेश द्वारा राम द्वारा लिखे गए और नाटकीय क्षणों का आवश्यक था जो पात्रों और नाटक के कृतिन से परे थे और एक बिंदु पर एक चित्रण के मजाक में तारीफ करता कि राजा राम पर घर शूटिंग स्थान करता है और मजाजे तारीफ करता है, जहां पर राम बांध के शूटिंग जितना अच्छा दिखता है ऐसा इसलिए है क्योंकि यह वास्तव में शूटिंग का स्थान है, बिल्कुल यह जैसा दिखता है। दृश्य मंच अभिनेता के साथ फ्रेम आबाद करके मुश्किलों का संवाद बोलना पड़ता है, दृश्य के कुर्तुमियों से कृति का प्रस्तुति करता है। बताया जाता है कि इसका अभिनेता की बात करें तो गोविंद चंद है। कहा जाता है कि गोविंद चंद का पूरा नाम टेटो पुरिक गोविंद चंद है जिनका जन्म 12 जून 1989 को एक भारतीय अभिनेता के रूप में हुआ जो प्रमुख रूप से तेलुगु सिनेमाओं में काम करता है और एक्शन फिल्मों में अपनी फिल्मों के साथ जाने जाते हैं और उन्होंने मुख्य अभिनेता थोली वालाई के साथ 2001 के साथ अपनी शुरुआत की और जयम के साथ 2002 और निजम 2003 के वर्षम 2004 जैसी फिल्मों के विरुद्ध के साथ भूमिका के बाद 2004 के अवज्ञन के साथ सफलता मिली। वहीं पर बताया गया कि यह फिल्म काफ़ी बेहतरीन है और इसके उल्लेखनीय कृतियों के यक बात किया गया और इन्होंने बहुत सारे फिल्मों में काम किया। इनकी प्रारंभिक जीवन की बात करें तो गोविंद चंद का जन्म आंध्र प्रदेश के प्रकाश जिले के तिरुवनंतपुरम पास एक गाँव में हुआ था। वह फिल्म निर्माता टी कृष्णन के छोटे बेटे थे और 8 साल के थे तभी पिता की मृत्यु हो गई थी। उन्होंने नी डेस्परोइड द्वारा उगेन के साथ उनके पिता का स्थापित और रामकृष्ण मिशन स्कूल चेन्नई के स्कूल शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने रूस में मैकेनिक इंजीनियरिंग का अध्ययन किया। उनके बड़े भाई प्रेमचंद्र के मुथैया सुबियान के अधीन एक सहयोगी निदेशक थे और उन्होंने निर्देशन के रूप में काम करना शुरू कर दिया। हालांकि एक कार दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। गोविंद चंद का वक्त रूस में थे और वीजा संबंधित दिक्कतों के चलते उनके अंतिम संस्करण में शामिल नहीं हो सके। उनकी एक छोटी बहन भी है जो दत्तक चिकित्सक है। अपनी इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद उन्होंने अपनी पिता के विरासत को जारी रखने के लिए फिल्मों में अपना करियर बनाने का फैसला किया और एक साल के लिए डायलॉग मोस्टिडलेसन कोर्स किया, जहां पर वह प्रभास भी वामसी रेड्डी और बाद में
दो प्रमोद उपपत्ति के करीबी दोस्त हैं जो यूवी क्रिएट्स के मालिक हैं जो तेलुगु सिनेमाओं के रूप में प्रोड्यूसर हाउस हैं। गोविंद चंद ने फिल्म को अथोली के वलप्पुई के साथ मुख्य भूमिका निभाई। उन्होंने अपनी अगली फिल्मों में जय निजाम और वामसम के नकारात्मक भूमिका निभाई, जहां पर जय में उनके प्रदर्शन के प्रति सकारात्मक स्वागत के बाद की गई, जहां पर उन्होंने अपने फिल्म तमिल भाषा और उसी दृश्य के रीमेक के साथ अपने करियर की आर दोहराई। वहीं पर 2004 में अवज्ञक, 2005 के अद्वंत फिल्मों के साथ नायक के रूप में अपनी वापसी की, 2006 में उन्होंने व्यावसायिक रूप से सफलता हासिल किया और राम नाम के साथ देखे गए और उनकी बात की, जहां पर अपने व्यवसायिक को सफल बनाने के बाद रामवंत और व्यावसायिक रूप से असफल रूप से सफल राम का साथ मिला, जहां पर उनकी 2007 में रिलीज ओका नायडू और लक्ष्मय और 2008 की रिलीज ओटी आरी है जो सौंदर्य के साथ उनको एक बार फिर से खूबसूरत संयम को रिलीज करती है। उनकी रिलीज 2010 के गोविंद मार में हुआ था। उन्होंने वास्तविक जीवन पुलिस वाले दायक नायक से प्रेरित एक मुठभेड़ विशेषज्ञ की भूमिका निभाई थी और देखा था। वहीं पर 2011 में उन्होंने मोगुड और वांटेड में अभिनय किया, लेकिन दो अन्य व्यावसायिक में काम करने के बाद के रूप असफल रही। 2013 में उन्होंने एक्शन एडवेंचर फिल्म सहायस के लिए निर्देशन शुरू किया और चंद्रशेखर रियल्टी के ओक्योंड द्वारा बाद के बाद साथ फिर से काम किया गया, जो उस समय उनकी सबसे बड़ी व्यावसायिक रूप से सफलता मिल गई और बन गई। 2004 में उन्होंने कोयला में व्यावसायिक रूप से अभिनय किया और उनकी सबसे सफल फिल्म बन गई। 2015 में उन्होंने जिले और कुख्यात में अभिनय किया, जहां पर 2017 के साथ उन्होंने अभिनय किया और गौतम नंदा को ओजिशन जो व्यावसायिक रूप से असफल रहे। वहीं उनकी अगली फिल्म आराम बुलेट के साथ उसने असली रिलीज के होने के बाद की गई, लेकिन 2021 के साथ अपने काम किया गया और यह नियमित नाटक के बन गई, जिसमें एक और झटका लगा और उन्होंने पथक में एक सतर्क व्यक्ति की भूमिका निभाई जो 25वीं फिल्म थी। 2019 में चाणक्य के एक जासूसी भूमिका निभाई, जहां पर सितंबर 2021 के संपत नंदनी द्वारा निर्देशित स्पोर्ट्स एक्शन के सीतामरण को सकारात्मक समीक्षा मिली और बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। फिल्म के सह कलाकारों और तमान्य विवांग के साथ सूर्यवंशी की भूमिका के चावला के साथ उन्होंने एक अन्य फिल्म पक्का करिश्माइक पर काम किया जो मूर्ति के साथ निर्देशन में किया गया था और मूवी क्रिप्ट्स द्वारा दो पिक्चर्स द्वारा निर्मित किया गया था। कहा जाता है कि जिसमें नायक की भूमिका के रूप में राशि खन्ना की श्रीनिवास द्वारा निर्देशित और उनकी अगली फिल्म रामनजीक द्वारा 2023 को घोषित किया गया था और यह फिल्म श्रीनिवास और गोविंद चंद के हैट्रिक संयोजन की वापसी का प्रतीक है जो गोविंद चंद के 30 फिल्मों के रूप में चिन्हित किया। वहीं पर उनका और पालन पोषण आंध्र प्रदेश के तिरुवनंतपुरम में हुआ था और उन्होंने 2013 के तेलुगु अभिनेता श्रीकांत के भतीजा रेशमा के शादी के साथ इस जोड़ी के दो बेटों के साथ किया था समीक्षा की और बात किया और इन्हें पुरस्कार भी मिला। वहीं पर देखा जाता है कि यह फिल्म काफी बेहतरीन है, जहां पर अपनी भूमिका के साथ देखे गए। वहीं पर डिंपल हायती है, बताया जाता है कि डिंपल हायती जो भारतीय अभिनेत्री है जो प्रमुख रूप से तेलुगु सिनेमाओं में काम करती। बताया जाता है कि हायती का जन्म आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में हुआ था जो तमिल पिता और तेलुगु भाषी माँ के घर में हुआ था। उनका पोषण हैदराबाद में हुआ था पालन पोषण और उनका जन्म डिंपल कबाड़िया के रूप में हुआ था, लेकिन बाद में संख्यात्मक कारणों और अपना अंतिम नाम हायती के साथ एक साथ जोड़ लिया। हायती को 19 साल की उम्र में तेलुगु के फिल्म गल्फ में 2017 में डेब्यू करने का मौका मिल गया और अपने करियर की शुरुआत के बाद हायती ने द्विभाषी फिल्मों देवी टू के साथ 2019 में अभिनय करके पहले एक तेलुगु फिल्म यूरके से अभिनय किया, जहां पर उनकी अगली उपस्थिति थी फिल्म गोरना कोंडा में गणेश 2019 के वरुण तेजा और अरवंत के साथ एक लाइटोम नंबर्स जारी गीत के साथ
देखा गया। समीक्षा की और बात किया और आरएस शरद कुमार में देखा जाता है। वहीं पर कहा गया कि यह फिल्म काफ़ी बेहतरीन है, जिसके फिल्म के कोरियोग्राफर को भी पसंद किया गया। वहीं पर अभिनेता के रूप में आखिरकार जगपति बाबू भी नजर आए हैं। जगपति बाबू का पूरा नाम वीरांत चेची जगपति चौधरी है, जिनका जन्म 12 फरवरी 1962 को हुआ, जिन्होंने पेशेवर रूप से जगपति बाबू उच्चारण सहायक जानकारी के नाम से जाना जाता है। एक भारतीय अभिनेता है जो प्रमुख रूप से तेलुगु सिनेमाओं में काम करने के लिए जाने जाते हैं और कुछ तमिल, कन्नाडा और मलयालम फिल्मों में भी दिखाई देते हैं। 33 साल की उम्र में बाबू ने फिल्म का पुरस्कार जीता और सात राज्य नंदनी पुरस्कार प्राप्त किया। वहीं पर बात करें तो इनकी प्रारंभिक जीवन की, तो जगपति बाबू का जन्म 12 फरवरी 1962 को मच्छिलपट्टनम के अनुभवी निर्माता निर्देशक बीबी राजेंद्र प्रसाद के घर हुआ था, जो तेलुगु सिनेमाओं में अपनी पहचान बनाने से पहले उन्हें चेन्नई तमिलनाडु के लायक बनने और लक्ष्मी शादी करने के दो बेटी के साथ देखा गया। बाबू ने तेलुगु सिनेमा सर्वप्रथम 1989 में अपने शुरुआत किया, जो पिता द्वारा निर्मित पीवी मधुसूदन राव पर निर्देशित था। उसी वर्ष उन्होंने एडवोन अभिनय मडून में अभिनय किया और उनके अभिनय के व्यावसायिक सफल रही। 1992 के रिलीज के साथ की गई और पौराणिक के साथ काम पर देखा गया, जहां पर 1993 में राम गोपाल वर्मा द्वारा निर्देशित गायक के रूप में अपनी सफलता हासिल की। उन्होंने एस बी कृष्णन रेड्डी द्वारा निर्देशित मावी चूरन में काम किया और अपने भूमिका के लिए 1996 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार जीता। समीक्षा की और 1997 में सुभाष कासू और पेल्लानी के पंडिर जैसी रनवेट हिल फिल्म देखी गई। वहीं पर 1998 में उन्होंने अवंतपुरम के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और नंदनी पुरस्कार जीता। उन्होंने थिएटर के मनोहरम में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता और 2003 में उन्होंने गड़बड़ी अथावेक ओकाल के साथ कर दिया, जहां पर बात करते हुए कला परिषद द्वारा सिनेमा में उनके योगदान के लिए सुना गया और भूषण पुरस्कार मिला। उनकी पहली तमिल मद्रासी फिल्म है, जो 2012 के तमिल एडवोम में प्रतिस्पर्धित के रूप में दिखाई दी। इसके बाद जय बोलो गंगा के मुख्य भूमिका निभाई, जिसमें 5 नंदनी पुरस्कार जीते और 2012 में उन्होंने कनाडा फिल्म बचपन के साथ पुलिस के रूप में शुरुआत किया। 2014 के बाद बाबू ने अपनी पहली पसंद भूमिका में पूरी तरह से बदल लिया, जिससे वे दूसरी पारी कहते हैं। और बाबू को तब तक एक प्रमुख अभिनेता थे जो अपने करियर के क्रावोग्राफर को बनाए रखते हैं और विरोधी को सहायक भूमिका निभाते हैं और वह एक सफल फैसला करते हैं। इसमें पहली नंदमूरी बालकृष्ण स्टार लेजर द्वारा काम किया गया और समीक्षा के साथ देखा गया, जिसमें बार बार एक विरोधी की भूमिका को उजागर किया और जितेश सारथी द्वारा निर्मित के साथ बताया गया। वहीं प्रदर्शन की गई और प्रशंसा भी किया गया, जहां पर रजनीकांत के साथ नकारात्मक तो भूमिका के साथ 2015 में देखा गया। बताया जाता है कि यह फिल्म काफ़ी बेहतरीन है और काफ़ी अच्छी है। वहीं पर 2018 में रंगस्थल सुकुमार के निर्देशन बाबू और नामांकन गाँव के दमनकारी के साथ भूमिका निभाई, जहाँ पर 2 मिलियन से अधिक कमाई की और रंगस्थल उस वर्ष का सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म था। और इसके साथ ही पता चला कि गुंडाचारी में एक बांग्लादेशी आतंकवादी की भूमिका निभाई, जो एक स्लीपर हिट बन गई। उनकी भूमिका को त्रिवंत श्रीवास द्वारा निर्देशित और अरविंद समिता के वीरा राघव द्वारा तैयार किया गया और 2018 को उनके करियर की बेहतरीन प्रदर्शनों के रूप में जाना जाता है। 2019 में उनके उल्लेखनीय रचना महर्षि थियाईस नरसिम्हा रेड्डी के साथ महत्वपूर्ण भूमिका के लिए देखे गए। बताया जाता है कि यह फिल्म काफ़ी बेहतरीन है और काफ़ी अच्छी है। रामबन 2023 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन थिएटर फिल्म के निर्देशक है, जो श्रीनिवास के भूपति राजा द्वारा लिखित और कहानी पर किया, जहां पर इसमें गोविंद चंद के डिंपल कवाडिया, अरोरा और सचिन खेटकर जैसे कलाकारों की टुकड़ी इसका है निर्माण और पीपल मीडिया ट्रैफिक के तहत टीजा विश्व प्रसाद और विवेक कुछ भोटा के साथ देखे गए, जहां पर साउंडट्रैक और बैकग्राउंड स्कोर की रचना मिक मेजर द्वारा किया गया। समीक्षा की और बात की और यह कहा।
हेलो दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ रामबाण फिल्म के बारे में जो 2023 की भारतीय तमिल भाषा की और तेलुगु भाषा की फिल्म है, जिसे निर्देशक श्री निवास द्वारा और भूपति राजा के निर्देशन में लिखी गई और कहानी पर जोर दिया गया। इसमें गोविंद चंद, डिंपल हाइस और जगपति बाबू नायर्स, निवेल्स किशोर, तिरुवंत अरोरा और सचिन खेड़कर जैसे कलाकारों की टुकड़ी है। इसका निर्माण पीपल मीडिया फैक्ट्री के तहत टीजी विश्वास प्रसाद और विवेक कुची भोटपा ने किया था, जहां पर साउंडट्रैक और बैकग्राउंड को स्कोर की रचना की और मिक जे मेयर के साथ काम किया। इसके निर्देशक में श्रीनिवास है, वहीं पाठकथा के लेखक भी श्रीनिवास है। वहीं संपादक की बात करें तो मधुसूदन दंपति है, वहाँ कहानी भूपति राजा द्वारा दिया गया। वहीं इसकी उत्पादन टीजी विश्व श्री प्रसाद और विवेक कुचिम भोटा के साथ देखा गया। अभिनेता के रूप में गोविंद चंद, डिंपल हाईस्ट्रीट और जगपति बाबू है। छाया खान के रूप में वेलिंग और पायलन सीमा है। जहाँ पर बात किया जाता है इसका संपादक की तो प्रवीण मोडी है। वहीं संगीत को मिकी जे मेयर द्वारा दिया गया और इसकी प्रोड्यूसर कंपनी लोक मीडिया फैक्ट्री रखी गई। यह रिलीज की तारीख 5 मई 2023 रखी गई। यह कार्यक्रम समय 140 मिनट रखा गया। यह भारत के तेलुगु भाषा के साथ इसे लॉन्च किया गया। रामबाण को 5 मई 2023 को दुनिया भर में रिलीज कर दिया और आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली। कोलकाता के एक गैंगस्टर विक्की को पता चला कि उसका भाई राजा राम जी के से खतरे में है, जो खादी धोखाधड़ी का कारोबार चलाता है और अपनी प्रेमिका भैरवी के साथ सुलझाने के बाद उसे मुद्दे को संभालने के साथ उसकी रक्षा करने का फैसला करता है, जिसके बाद काफी ज्यादा मुक्त रूप से इसे देखा जाता है और यह फिल्म 5 मई को रिलीज कर दिया जाता है। रामबांध को आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली। द टाइम्स ऑफ इंडिया के नीतीश न्यायपति ने लिखा कि रामबांध का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें पेशकश करने के लिए कुछ भी नहीं है और यह एक जोश पेशकश करता है वह सादा उपजाऊ है, जो 123 तेलुगु में 5 में से 2.5 स्टार दिया गया और लिखा गया कि रामबाण नियमित व्यावसायिक पोटा बोलर है जिसमें कोई नया नाप नहीं है। गोविंद चंद का प्रदर्शन पहली 6 माह में कुछ कॉमेडियन दृश्य और एक्शन सीक्वेंस फिल्म में केवल प्लान पोस्टिस के साथ द हिंदू भुवनेश्वर चंद्र ने लिखा और निर्देशन किया, जहां पर श्रीनिवास की पहली व्यावसायिक मनोरंजन पैकेज के करने में के साथ अपने प्रयासों में विफल रही, जहां पर केवल इसकी पेदाचिरी कथनांक की गई, जिसका क्षमा और भटकाने के लिए मामले को कदरन बनाने का इसमें अजीब गरीब चुटकुटाते हास किए गए। बताया जाता है कि यह फिल्म काफी बेहतरीन है और इसे काफी ज्यादा दर्शकों ने भी पसंद किया और अच्छा रिस्पॉन्स किया। जहां पर देखा जाए तो इसकी समीक्षा की ओर आगे बढ़ता है और सिनेमा एक्सप्रेस के साथ देखे जाते हैं और 5 में से केरुकुलिक द्वारा 2.5 स्टार लिखा गया और जबकि फिल्म को पहलू अस्पष्ट रूप से इसके पक्ष में काम करते चाहते हैं वह अस्पष्ट अंतर्राष्ट्रीय स्थानों में शूट किए गए, जहां पर 3 अनमोल रोमांटिक नंबर हो या इसके असंबंध गलत विरोधी रमा बनम भी भारी लड़खड़ाते अपर्याप्त संघर्ष या परिणामों के बिना अपने नायक के ऊपर उठाने के अपने बड़े पैमानों का अनुपात दृष्टिकोण कारण के OTT प्लेट के श्री त्वंस के सदा धूर्ण के साथ काम किया। 5 में से 2 सितारे दिए गए और लिखा गया कि रामबाण थकाव देने वाला व्यावसायिक मनोरंजन फिल्म है जो शुरू से ही सहनीय है लेकिन मध्यांतर के बाद इज्जत खो देता है, जहां पर गोविंद चंद जरूरतमंद करते हैं लेकिन लेखक और दृश्य प्रभाव करने के लिए बहुत कुछ करती है और जीवन को दो भाइयों के इर्द गिर्द अजमाए और परखे हुए खाक में बदलना चाहती है। जहां पर फिल्म के कॉम्पिनियन के साथ राम वेंकट और श्रीकर द्वारा लिखा गया रामबांध को एक कई नाटकीय क्षणों के आवश्यकता जी था जो पात्रों और नाटक की कृतिमन से परे था, जो एक बिंदु पर चरित्र मजाक में तारीफ करता था। वहीं पर समीक्षा की और बात किया और इसको आगे बढ़ाया, जहां पर फिल्म के कंपनियों वेंकटेश द्वारा राम द्वारा लिखे गए और नाटकीय क्षणों को आवश्यक था जो पात्रों और नाटक
नाटक के कृतिन से परे थे और एक बिंदु पर एक चित्रण के मजाक में तारीफ करता कि राजा राम पर घर शूटिंग स्थान करता है और मजाजे तारीफ करता है जहाँ पर राम बांध के शूटिंग जितना अच्छा दिखता है ऐसा इसलिए है क्योंकि यह वास्तव में शूटिंग का स्थान है। बिल्कुल यह जैसा दिखता है दृश्य मंच अभिनेता के साथ फ्रेम आबाद करके मुश्किलों का संवाद बोलना पड़ता है। दृश्य के कुर्तमियों से कृति का प्रस्तुति करता है। बताया जाता है कि इसका अभिनेता की बात करें तो गोविंद चंद है। कहा जाता है कि गोविंद चंद का पूरा नाम टेटो पुरिक गोविंद चंद है जिनका जन्म 12 जून 1989 को एक भारतीय अभिनेता के रूप में हुआ जो प्रमुख रूप से तेलुगु सिनेमाओं में काम करता है और एक्शन फिल्मों में अपनी फिल्मों के साथ जाने जाते हैं और उन्होंने मुख्य अभिनेता थोली वलाई के साथ 2001 के साथ अपनी शुरुआती की और जयम के साथ 2002 और निजम 2003 के वर्षम 2004 जैसी फिल्मों के विरुद्ध के साथ भूमिका के बाद 2004 के अवज्ञन के साथ सफलता मिली। वहीं पर बताया गया कि यह फिल्म काफी बेहतरीन है और इसके उल्लेखनीय कृतियों के यह बात किया गया और इन्होंने बहुत सारे फिल्मों में काम किया। इनकी प्रारंभिक जीवन की बात करें तो गोविंद चंद का जन्म आंध्र प्रदेश के प्रकाश जिले के तिरुवनंतपुरम पास एक गांव में हुआ था। वह फिल्म निर्माता टी कृष्णन के छोटे बेटे थे और 8 साल के थे तभी पिता की मृत्यु हो गई थी। उन्होंने नी डेस्परोइड द्वारा उगेन के साथ उनके पिता का स्थापित और रामकृष्ण मिशन स्कूल चेन्नई के स्कूल शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने रूस में मैकेनिक इंजीनियरिंग का अध्ययन किया। उनके बड़े भाई प्रेमचंद्र के मुथैया सुबियान के अधीन एक सहयोगी निदेशक थे और उन्होंने निर्देशन के रूप में काम करना शुरू कर दिया। हालांकि एक कार दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। गोविंद चंद का वक्त रूस में थे और वीजा संबंधित दिक्कतों के चलते उनके अंतिम संस्करण में शामिल नहीं हो सके। उनकी एक छोटी बहन भी है जो दत्तक चिकित्सक है। अपनी इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद उन्होंने अपनी पिता के विरासत को जारी रखने के लिए फिल्मों में अपना करियर बनाने का फैसला किया और 1 साल के लिए डायलॉग मॉड्यूलेशन कोर्स किया जहाँ पर वह प्रभास भी वामसी रेड्डी और बाद में दो प्रमोद उपपत्ति के करीबी दोस्त हैं जो यूवी क्रिएट्स के मालिक हैं जो तेलुगु सिनेमाओं के रूप में प्रोड्यूसर हाउस हैं। गोविंद चंद ने फिल्म को अथोली के वलप्पुई के साथ मुख्य भूमिका निभाई। उन्होंने अपनी अगली फिल्मों में जय निजाम और वामसम के नकारात्मक भूमिका निभाई जहां पर जय में उनके प्रदर्शन के प्रति सकारात्मक स्वागत के बाद की गई जहां पर उन्होंने अपने फिल्म तमिल भाषा और उसी दृश्य के रीमेक के साथ अपने करियर की आर दोहराई। वहीं पर 2004 में अवज्ञक 2005 के अद्वंत फिल्मों के साथ नायक के रूप में अपनी वापसी की। 2006 में उन्होंने व्यावसायिक रूप से सफलता हासिल किया और राम नाम के साथ देखे गए और उनकी बात की जहाँ पर अपने व्यवसाय को सफल बनाने के बाद राम भवन और व्यावसायिक रूप से असफल रूप से सफल राम का साथ मिला जहाँ पर उनकी 2007 में रिलीज ओका नायडू और लक्ष्मय और 2008 की रिलीज ओटी आरी है जो सौंदर्य के साथ उनको एक बार फिर से खूबसूरत संयम को रिलीज करती है। उनकी रिलीज 2010 के गोविंद मार में हुआ था। उन्होंने वास्तविक जीवन पुलिस वाले दायक नायक से प्रेरित एक मुठभेड़ विशेषज्ञ की भूमिका निभाई थी और देखा था। वहीं पर 2011 में उन्होंने मोगुड और वांटेड में अभिनय किया लेकिन दो अन्य व्यावसायिक में काम करने के बाद के रूप असफल रही। 2013 में उन्होंने एक्शन एडवेंचर फिल्म सहायस के लिए निर्देशन शुरू किया और चंद्रशेखर रियल्टी के ओक्योंड द्वारा बाद के बाद साथ फिर से काम किया गया जो उस समय उनकी सबसे बड़ी व्यावसायिक रूप से सफलता मिल गई और बन गई। 2004 में उन्होंने कोयला में व्यावसायिक रूप से अभिनय किया और उनकी सबसे सफल फिल्म बन गई। 2015 में उन्होंने जिले और कुख्यात में अभिनय किया जहां पर 2017 के साथ उन्होंने अभिनय किया और गौतम नंदा को ओजीशन जो व्यावसायिक रूप से असफल रहे। वहीं उनकी अगली फिल्म आराम बुलेट के साथ उसने असली रिलीज
के होने के बाद की गई, लेकिन 2021 के साथ अपने काम किया गया और यह नियमित नाटक के बन गई, जिसमें एक और झटका लगा और उन्होंने पथक में एक सतर्क व्यक्ति की भूमिका निभाई, जो 25वीं फिल्म थी। 2019 में चाणक्य के एक जासूसी भूमिका निभाई, जहां पर सितंबर 2021 के संपत नंदनी द्वारा निर्देशित स्पोर्ट्स एक्शन के सीतामरण को सकारात्मक समीक्षा मिली और बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। फिल्म के सहकलाकारों और तमन्ना विवाम के साथ सूर्यवंशी की भूमिका के चावला के साथ उन्होंने एक अन्य फिल्म पक्का करिश्माइक पर काम किया, जो मूर्ति के साथ निर्देशन में किया गया था और मूवी क्रिप्ट द्वारा दो पिक्चर्स द्वारा निर्मित किया गया था। कहा जाता है कि जिसमें नायक की भूमिका के रूप में राशि खन्ना की श्रीनिवास द्वारा निर्देशित और उनकी अगली फिल्म रामनाजी द्वारा 2023 को घोषित किया गया था। और यह फिल्म श्रीनिवास और गोविंद चंद के हैट्रिक संयोजन की वापसी का प्रतीक है, जो गोविंद चंद के 30 फिल्मों के रूप में चिन्हित किया। वहीं पर उनका और पालन पोषण आंध्र प्रदेश के तिरुवनंतपुरम में हुआ था और उन्होंने 2013 के तेलुगु अभिनेता श्रीकांत के भतीजा रेशमा के शादी के साथ इस जोड़ी के दो बेटों के साथ किया था समीक्षा की और बात किया और इन्हें पुरस्कार भी मिला। वहीं पर देखा जाता है कि यह फिल्म काफ़ी बेहतरीन है, जहां पर अपनी भूमिका के साथ देखे गए। वहीं पर डिम्पल हायती है, बताया जाता है कि डिम्पल हायती जो भारतीय अभिनेत्री है जो प्रमुख रूप से तेलुगु सिनेमाओं में काम करती। बताया जाता है कि हायती का जन्म आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में हुआ था, जो तमिल पिता और तेलुगु भाषी माँ के घर में हुआ था। उनका पोषण हैदराबाद में हुआ था पालन पोषण, और उनका जन्म डिम्पल कबाड़िया के रूप में हुआ था, लेकिन बाद में संख्यात्मक कारणों और अपना अंतिम नाम हायती के साथ एक साथ जोड़ लिया। हायती को 19 साल की उम्र में तेलुगु के फिल्म गल्फ में 2017 में डेब्यू करने का मौका मिल गया और अपने करियर की शुरुआत के बाद हायती ने द्विभाषी फिल्मों देवी टू के साथ 2019 में अभिनय करके पहले एक तेलुगु फिल्म यूरके से अभिनय किया, जहां पर उनकी अगली उपस्थिति थी फिल्म गोना कोंडा में गणेश 2019 के वरुण तेजा और अरवंत के साथ एक लाइटोम नंबर्स जारी गीत के साथ देखा गया। समीक्षा की और बात किया और आरएस शरद कुमार में देखा जाता है, वहीं पर कहा गया कि यह फिल्म काफ़ी बेहतरीन है, जिसके फिल्म के कोरियोग्राफर को भी पसंद किया गया। वहीं पर अभिनेता के रूप में आखिरकार जगपति बाबू भी नजर आए हैं। जगपति बाबू का पूरा नाम वीरांत चेची जगपति चौधरी है, जिनका जन्म 12 फरवरी 1962 को हुआ, जिन्होंने पेशेवर रूप से जगपति बाबू उच्चारण सहायक जानकारी के नाम से जाना जाता है। एक भारतीय अभिनेता है जो प्रमुख रूप से तेलुगु सिनेमाओं में काम करने के लिए जाने जाते हैं और कुछ तमिल कन्नाडा और मलयालम फिल्मों में भी दिखाई देते हैं। 33 साल की उम्र में बाबू ने फिल्म का पुरस्कार जीता और साथ राज्य नंदनी पुरस्कार प्राप्त किया। वहीं पर बात करें तो इनकी प्रारंभिक जीवन की, तो जगपति बाबू का जन्म 12 फरवरी 1962 को मछिलपट्टनम के अनुभवी निर्माता निर्देशक बीबी राजेंद्र प्रसाद के घर हुआ था, जो तेलुगु सिनेमाओं में अपनी पहचान बनाने से पहले उन्हें चेन्नई तमिलनाडु के लायक बनने और लक्ष्मी शादी करने के दो बेटी के साथ देखा गया। बाबू ने तेलुगु सिनेमा सर्वप्रथम 1989 में अपने शुरुआत किया, जो पिता द्वारा निर्मित पीबी मधुसूदन राव पर निर्देशित था। उसी वर्ष उन्होंने एडवोन अभिनय मडून में अभिनय किया और उनके अभिनय के व्यावसायिक सफल रही। 1992 के रिलीज के साथ की गई और फोरांटी के साथ काम पर देखा गया, जहां पर 1993 में राम गोपाल वर्मा द्वारा निर्देशित गायक के रूप में अपनी सफलता हासिल की। उन्होंने एस बी कृष्णन रेड्डी द्वारा निर्देशित मावी चूरन में काम किया और अपने भूमिका के लिए 1996 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार जीता। समीक्षा की और 1997 में सुभाष कासु और पेल्लानी के पंडिर जैसी रनवेट हिल फिल्म देखी गई। वहीं पर 1998 में उन्होंने अवंतपुरम के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और नंदनी पुरस्कार जीता। उन्होंने थिएटर के मनोहरम में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता और 2003 में उन्होंने गड़बड़ी अथावे ओकाल्स के साथ कर दिया, जहां पर बात करते हुए कला प्रदर्शन द्वारा सिनेमा में उनके योगदान के लिए
सुना गया और भूषण पुरस्कार मिला। उनकी पहली तमिल मद्रासी फिल्म है जो 2012 के तमिल एडवोम में प्रतिस्पर्धित के रूप में दिखाई दी। इसके बाद जय बोलो गंगा के मुख्य भूमिका निभाई जिसमें 5 नंदनी पुरस्कार जीते और 2012 में उन्होंने कनाडा फिल्म बचपन के साथ पुलिस के रूप में शुरुआत किया। 2014 के बाद बाबू ने अपनी पहली पसंद भूमिका में पूरी तरह से बदल लिया जिससे वे दूसरी पारी कहते हैं और बाबू को तब तक एक प्रमुख अभिनेता थे जो अपने करियर के क्रावोग्राफर को बनाए रखते हैं और विरोधी को सहायक भूमिका निभाते हैं और वह एक सफल फैसला करते हैं। इसमें पहली नंदमूरी बालकृष्ण स्टार लेजर द्वारा काम किया गया और समीक्षा के साथ देखा गया जिसमें बार बार एक विरोधी की भूमिका को उजागर किया और जितेश सारथी द्वारा निर्मित के साथ बताया गया। वहीं प्रदर्शन की गई और प्रशंसा भी किया गया जहां पर रजनीकांत के साथ नकारात्मक तो भूमिका के साथ 2015 में देखा गया। बताया जाता है कि यह फिल्म काफ़ी बेहतरीन है और काफ़ी अच्छी है। वहीं पर 2018 में रंगस्थल सुकुमार के निर्देशन बाबू और नामांकन गाँव के दमनकारी के साथ भूमिका निभाई जहाँ पर 2 मिलियन से अधिक कमाई की और रंगस्थल उस वर्ष का सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म था। और इसके साथ ही पता चला कि गुंडाचारी में एक बांग्लादेशी आतंकवादी की भूमिका निभाई जो एक स्लीपर हिट बन गई। उनकी भूमिका को त्रिवंत श्रीवास द्वारा निर्देशित और अरविंद समिता के वीरा राघव द्वारा तैयार किया गया और 2018 को उनके करियर की बेहतरीन प्रदर्शनों के रूप में जाना जाता है। 2019 में उनके उल्लेखनीय रचना महर्षि थियाईस नरसिम्हा रेड्डी के साथ महत्वपूर्ण भूमिका के लिए देखे गए। बताया जाता है कि यह फिल्म काफ़ी बेहतरीन है और काफ़ी अच्छी है। रामबन 2023 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन थिएटर फिल्म के निर्देशक है जो श्रीनिवास के भूपति राजा द्वारा लिखित और कहानी पर किया जहां पर इसमें गोविंद चंद के डिंपल कवाडिया अरोरा और सचिन खेटकर जैसे कलाकारों की टुकड़ी इसका निर्माण और पीपल मीडिया ट्रैफिक के तहत टीजा विश्व प्रसाद और विवेक कुचभोटा के साथ देखे गए जहां पर साउंडट्रैक और बैकग्राउंड स्कोर की रचना मिक मेजर द्वारा किया गया। समीक्षा की और बात की और यह कहा। हेलो दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ रामबाण फिल्म के बारे में जो 2023 की भारतीय तमिल भाषा की और तेलुगु भाषा की फिल्म है जिसे निर्देशक श्री निवास द्वारा और भूपति राजा के निर्देशन में लिखी गई और कहानी पर जोर दिया गया। इसमें गोविंद चंद, डिंपल, हाइस और जगपति बाबू नायर्स, निवेल्स किशोर, तिरुवंत अरोरा और सचिन खेड़कर जैसे कलाकारों की टुकड़ी है। इसका निर्माण पीपल मीडिया फैक्ट्री के तहत टीजी विश्वास प्रसाद और विवेक कुची भोटपा ने किया था जहां पर साउंडट्रैक और बैकग्राउंड को स्कोर की रचना की और मिक जे मेयर के साथ काम किया। इसके निर्देशक में श्रीनिवास है। वहीं पाठकथा के लेखक भी श्रीनिवास है। वहीं संपादक की बात करें तो मधुसूदन दंपति है। वहाँ कहानी भूपति राजा द्वारा दिया गया। वहीं इसकी उत्पादन टीजी विश्व श्री प्रसाद और विवेक कुचिमभोटा के साथ देखा गया। अभिनेता के रूप में गोविंद चंद, डिंपल, हाईस्ट्रीट और जगपति बाबू है। छायाखान के रूप में वेलिंग और पायलन सीमा है। जहाँ पर बात किया जाता है इसका संपादक की तो परवीन मोडी है। वहीं संगीत को मिकी जे मेयर द्वारा दिया गया और इसकी प्रोड्यूसर कंपनी लोग मीडिया फैक्ट्री रखी गई। यह रिलीज की तारीख 5 मई 2023 रखी गई। यह कार्यक्रम समय 140 मिनट रखा गया। यह भारत के तेलुगु भाषा के साथ इसे लॉन्च किया गया। रामबाण को 5 मई 2023 को दुनिया भर में रिलीज कर दिया और आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली। कोलकाता के एक गैंगस्टर विक्की को पता चला कि उसका भाई राजा राम जी के से खतरे में है जो खादी धोखाधड़ी का कारोबार चलाता है और अपनी प्रेमिका भैरवी के साथ सुलझाने और सुलझाने के बाद उसे मुद्दे को संभालने के साथ उसकी रक्षा करने का फैसला करता है जिसके बाद काफी ज्यादा मुक्त रूप से इसे देखा जाता है और यह फिल्म 5 मई को रिलीज कर दिया जाता है। रामबांध को आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली। द टाइम्स ऑफ इंडिया के नीतीश न्यायपति ने लिखा कि रामबांध का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें पेशकश करने के लिए कुछ भी नहीं है और यह एक जोश पेशकश करता है वह सादा उपजाऊ है जो 123 तेलुगु में 5 में से 2.3
5 स्टार दिया गया और लिखा गया कि रामबाण नियमित व्यावसायिक पोटा बॉलर है जिसमें कोई नया नाप नहीं है। गोविंद चंद का प्रदर्शन पहली छमाही में कुछ कॉमेडियन दृश्य और एक्शन सीक्वेंस फिल्म में केवल प्लान पोस्टिस के साथ द हिंदू भुवनेश्वर चंद्र ने लिखा और निर्देशन किया, जहां पर श्रीनिवास की पहली व्यावसायिक मनोरंजन पैकेज के करने में के साथ अपने प्रयासों में विफल रही, जहां पर केवल इसकी पेदाचिरी कथनांक की गई जिसका क्षमा और भटकाने के लिए मामले को कदरन बनाने का इसमें अजीबोगरीब चुटकुटाते हास किए गए। बताया जाता है कि यह फिल्म काफ़ी बेहतरीन है और इसे काफ़ी ज़्यादा दर्शकों ने भी पसंद किया और अच्छा रिस्पॉन्स किया। जहां पर देखा जाए तो इसकी समीक्षा की ओर आगे बढ़ता है और सिनेमा एक्सप्रेस के साथ देखे जाते हैं और 5 में से केरुकुलिक द्वारा 2.5 स्टार लिखा गया और जबकि फिल्म को पहलू स्पष्ट रूप से इसके पक्ष में काम करते चाहते हैं वह स्पष्ट अंतर्राष्ट्रीय स्थानों में शूट किए गए, जहां पर 3 अनमोल रोमांटिक नंबर हो या इसके असंबंध गलत विरोधी रमा बनम भी भारी लड़खड़ाते अपर्याप्त संघर्ष या परिणामों के बिना अपने नायक के ऊपर उठाने के अपने बड़े पैमानों का अनुपात दृष्टिकोण कारण के OTT प्लेट के श्री त्वंश के सदा धूर्ण के साथ काम किया। 5 में से 2 सितारे दिए गए और लिखा गया कि रामबाण थकाव देने वाला व्यावसायिक मनोरंजन फिल्म है जो शुरू से ही सहनीय है लेकिन मध्यांतर के बाद इज्जत खो देता है, जहां पर गोविंद चंद जरूरतमंद करते हैं लेकिन लेखक और दृश्य प्रभाव करने के लिए बहुत कुछ करती है और जीवन को 2 भाइयों के इर्द गिर्द अजमाए और परखे हुए खाक में बदलना चाहती है। जहां पर फिल्म के कॉम्पिनियन के साथ राम वेंकट और श्रीकर द्वारा लिखा गया रामबाण को एक कई नाटकीय क्षणों के आवश्यकता जी था जो पात्रों और नाटक की कृतिमन से परे था जो एक बिंदु पर चरित्र मजाक में तारीफ करता था, वहीं पर समीक्षा की और बात किया और इसको आगे बढ़ाया। जहां पर फिल्म के कंपनियों वेंकटेश द्वारा राम द्वारा लिखे गए और नाटकीय क्षणों को आवश्यक था जो पात्रों और नाटक के कृति से परे थे और एक बिंदु पर एक चित्रण के मजाक में तारीफ करता कि राजा राम पर घर शूटिंग स्थान करता है और मजाजे तारीफ करता है, जहां पर राम बांध के शूटिंग जितना अच्छा दिखता है ऐसा इसलिए है क्योंकि यह वास्तव में शूटिंग का स्थान है, बिल्कुल यह जैसा दिखता है। दृश्य मंच अभिनेता के साथ फ्रेम आबाद करके मुश्किलों का संवाद बोलना पड़ता है, दृश्य के कुर्तमियों से कृति का प्रस्तुति करता है। बताया जाता है कि इसका अभिनेता की बात करें तो गोविंद चंद है। कहा जाता है कि गोविंद चंद का पूरा नाम टेटो पुड़िक गोविंद चंद है जिनका जन्म 12 जून 1989 को एक भारतीय अभिनेता के रूप में हुआ जो प्रमुख रूप से तेलुगु सिनेमाओं में काम करते और एक्शन फिल्मों में अपनी फिल्मों के साथ जाने जाते और उन्होंने मुख्य अभिनेता थोली वालाई के साथ 2001 के साथ अपनी शुरुआती की और जयम के साथ 2002 और निजम 2003 के वर्षम 2004 जैसी फिल्मों के विरुद्ध के साथ भूमिका के बाद 2004 के अवज्ञन के साथ सफलता मिली। वहीं पर बताया गया कि यह फिल्म काफ़ी बेहतरीन है और इसके उल्लेखनीय कृतियों के यह बात किया गया और इन्होंने बहुत सारे फिल्मों में काम किया। इनकी प्रारंभिक जीवन की बात करें तो गोविंद चंद का जन्म आंध्र प्रदेश के प्रकाश जिले के तिरुवनंतपुरम पास एक गाँव में हुआ था। वह फिल्म निर्माता टी कृष्णन के छोटे बेटे थे और 8 साल के थे तभी पिता की मृत्यु हो गई थी। उन्होंने नी डेस्परोइड द्वारा उगेन के साथ उनके पिता का स्थापित और रामकृष्ण मिशन स्कूल चेन्नई के स्कूल शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने रूस में मैकेनिक इंजीनियरिंग का अध्ययन किया। उनके बड़े भाई प्रेमचंद्र के मुथैया सुबियान के अधीन एक सहयोगी निदेशक थे और उन्होंने निर्देशन के रूप में काम करना शुरू कर दिया। हालांकि एक कार दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। गोविंद चंद का वक्त रूस में थे और वीजा संबंधित दिक्कतों के चलते उनके अंतिम संस्करण में शामिल नहीं हो सके। उनकी एक छोटी बहन भी है जो दत्तक चिकित्सक है। अपनी इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद उन्होंने अपनी पिता के विरासत को जारी रखने के लिए फिल्मों में अपना करियर बनाने का फैसला किया और एक साल के लिए डायलॉग मोस्टिडलेसन कोर्स किया, जहां पर वह प्रभास भी वामसी रेड्डी और बाद में
दो प्रमोद उपपत्ति के करीबी दोस्त हैं जो यूवी क्रिएट्स के मालिक हैं, जो तेलुगु सिनेमाओं के रूप में प्रोड्यूसर हाउस हैं। गोविंद चंद ने फिल्म को अथोली के वलप्पुई के साथ मुख्य भूमिका निभाई। उन्होंने अपनी अगली फिल्मों में जय निजाम और वामसम के नकारात्मक तो भूमिका निभाई, जहां पर जय में उनके प्रदर्शन के प्रति सकारात्मक तो स्वागत के बाद की गई, जहां पर उन्होंने अपने फिल्म तमिल भाषा और उसी दृश्य के रीमेक के साथ अपने करियर की आर दोहराई। वहीं पर 2004 में अवज्ञा, 2005 के अधवंट फिल्मों के साथ नायक के रूप में अपनी वापसी की। 2006 में उन्होंने व्यावसायिक रूप से सफलता हासिल किया और राम नाम के साथ देखे गए और उनकी बात की, जहां पर अपने व्यावसायिक को सफल बनाने के बाद रामवंत और व्यावसायिक रूप से असफल रूप से सफल राम का साथ मिला, जहां पर उनकी 2007 में रिलीज ओका नायडू और लक्ष्मय और 2008 की रिलीज ओटी आरी है, जो सौंदर्य के साथ उनको एक बार फिर से खूबसूरत संयम को रिलीज करती है। उनकी रिलीज 2010 के गोविंद मार में हुआ था। उन्होंने वास्तविक जीवन पुलिस वाले दायक नायक से प्रेरित एक मुठभेड़ विशेषज्ञ की भूमिका निभाई थी और देखा था। वहीं पर 2011 में उन्होंने मोगुड और वांटेड में अभिनय किया, लेकिन दो अन्य व्यावसायिक में काम करने के बाद के रूप असफल रही। 2013 में उन्होंने एक्शन एडवेंचर फिल्म सहायस के लिए निर्देशन शुरू किया और चंद्रशेखर रियल्टी के ओक्योंड द्वारा बाद के बाद साथ फिर से काम किया गया, जो उस समय उनकी सबसे बड़ी व्यावसायिक रूप से सफलता मिल गई और बन गई। 2004 में उन्होंने कोयला में व्यावसायिक रूप से अभिनय किया और उनकी सबसे सफल फिल्म बन गई। 2015 में उन्होंने जिले और कुख्यात में अभिनय किया, जहां पर 2017 के साथ उन्होंने अभिनय किया और गौतम नंदा को ओजिशन, जो व्यावसायिक रूप से असफल रहे। वहीं उनकी अगली फिल्म आराम बुलेट के साथ उसने असली रिलीज के होने के बाद की गई, लेकिन 2021 के साथ अपने काम किया गया और यह नियमित नाटक के बन गई, जिसमें एक और झटका लगा और उन्होंने पथक में एक सतर्क व्यक्ति की भूमिका निभाई, जो 25वीं फिल्म थी। 2019 में चाणक्य के एक जासूसी भूमिका निभाई, जहां पर सितंबर 2021 के संपत नंदनी द्वारा निर्देशित स्पोर्ट्स एक्शन के सीतामरण को सकारात्मक समीक्षा मिली और बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। फिल्म के सह कलाकारों और तमन्ना विवान के साथ सूर्यवंशी की भूमिका के चावला के साथ उन्होंने एक अन्य फिल्म पक्का करिश्माइक पर काम किया, जो मूर्ति के साथ निर्देशन में किया गया था और मूवी क्रिप्ट द्वारा दो पिक्चर्स द्वारा निर्मित किया गया था। कहा जाता है कि जिसमें नायक की भूमिका के रूप में राशि खन्ना की श्रीनिवास द्वारा निर्देशित और उनकी अगली फिल्म रामनाजी द्वारा 2023 को घोषित किया गया था, और यह फिल्म श्रीनिवास और गोविंद चंद के हैट्रिक संयोजन की वापसी का प्रतीक है, जो गोविंद चंद के 30 फिल्मों के रूप में चिन्हित किया। वहीं पर उनका और पालन पोषण आंध्र प्रदेश के तिरुवनंतपुरम में हुआ था और उन्होंने 2013 के तेलुगु अभिनेता श्रीकांत के भतीजा रेशमा के शादी के साथ इस जोड़ी के दो बेटों के साथ किया था, समीक्षा की और बात किया और इन्हें पुरस्कार भी मिला। वहीं पर देखा जाता है कि यह फिल्म काफी बेहतरीन है, जहां पर अपनी भूमिका के साथ देखे गए। वहीं पर डिंपल हायती है, बताया जाता है कि डिंपल हायती जो भारतीय अभिनेत्री है, जो प्रमुख रूप से तेलुगु सिनेमाओं में काम करती। बताया जाता है कि हायती का जन्म आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में हुआ था, जो तमिल पिता और तेलुगु भाषी माँ के घर में हुआ था। उनका पोषण हैदराबाद में हुआ था, पालन पोषण और उनका जन्म डिंपल कबाड़िया के रूप में हुआ था, लेकिन बाद में संख्यात्मक कारणों और अपना अंतिम नाम हायती के साथ एक साथ जोड़ लिया। हायती को 19 साल की उम्र में तेलुगु के फिल्म गल्फ में 2017 में डेब्यू करने का मौका मिल गया और अपने करियर की शुरुआत के बाद हायती ने द्विभाषी फिल्मों देवी टू के साथ 2019 में अभिनय करके पहले एक तेलुगु फिल्म यूरके से अभिनय किया, जहां पर उनकी अगली उपस्थिति थी। फिल्म गोना कोंडा में गणेश 2019 के वरुण तेजा और अरवंत के साथ एक लाइटोम नंबर्स जारी गीत के साथ
देखा गया, समीक्षा की और बात किया और आरएस शरद कुमार में देखा जाता है। वहीं पर कहा गया कि यह फिल्म काफ़ी बेहतरीन है, जिसके फिल्म के कोरियोग्राफर को भी पसंद किया गया। वहीं पर अभिनेता के रूप में आखिरकार जगपति बाबू भी नजर आए हैं। जगपति बाबू का पूरा नाम वीरांत चेची जगपति चौधरी है, जिनका जन्म 12 फरवरी 1962 को हुआ, जिन्होंने पेशेवर रूप से जगपति बाबू उच्चारण सहायक जानकारी के नाम से जाना जाता है। एक भारतीय अभिनेता है जो प्रमुख रूप से तेलुगु सिनेमाओं में काम करने के लिए जाने जाते हैं और कुछ तमिल, कन्नाडा और मलयालम फिल्मों में भी दिखाई देते हैं। 33 साल की उम्र में बाबू ने फिल्म का पुरस्कार जीता और 7 राजीव नंदिनी पुरस्कार प्राप्त किया। वहीं पर बात करें तो इनकी प्रारंभिक जीवन की, तो जगपति बाबू का जन्म 12 फरवरी 1962 को मच्छिलपट्टनम के अनुभवी निर्माता निर्देशक बीबी राजेंद्र प्रसाद के घर हुआ था, जो तेलुगु सिनेमाओं में अपनी पहचान बनाने से पहले उन्हें चेन्नई तमिलनाडु के लायक बनने और लक्ष्मी शादी करने के दो बेटी के साथ देखा गया। बाबू ने तेलुगु सिनेमा सर्वप्रथम 1989 में अपने शुरुआत किया, जो पिता द्वारा निर्मित पीवी मधुसूदन राव पर निर्देशित था। उसी वर्ष उन्होंने एडवोन अभिनय मडून में अभिनय किया और उनके अभिनय के व्यावसायिक सफल रही। 1992 के रिलीज के साथ की गई और पोर्नोग्राफी के साथ काम पर देखा गया, जहां पर 1993 में राम गोपाल वर्मा द्वारा निर्देशित गायक के रूप में अपनी सफलता हासिल की। उन्होंने एस बी कृष्णन रेड्डी द्वारा निर्देशित मावी चूरन में काम किया और अपने भूमिका के लिए 1996 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार जीता। समीक्षा की और 1997 में सुभाष कासु और पेल्लानी के पंडिर जैसी रनवेट हिल फिल्म देखी गई। वहीं पर 1998 में उन्होंने अवंतपुरम के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता अवनंदनी पुरस्कार जीता। उन्होंने थिएटर के मनोहरम में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता और 2003 में उन्होंने गड़बड़ी अथावे ओकाल्स के साथ कर दिया, जहां पर बात करते हुए कला प्रदर्शन द्वारा सिनेमा में उनके योगदान के लिए सुना गया और भूषण पुरस्कार मिला। उनकी पहली तमिल मद्रासी फिल्म है, जो 2012 के तमिल एडवोम में प्रतिस्पर्धित के रूप में दिखाई दी। इसके बाद जय बोलो गंगा के मुख्य भूमिका निभाई, जिसमें 5 नंदनी पुरस्कार जीते और 2012 में उन्होंने कनाडा फिल्म बचपन के साथ पुलिस के रूप में शुरुआत किया। 2014 के बाद बाबू ने अपनी पहली पसंद भूमिका में पूरी तरह से बदल लिया, जिससे वे दूसरी पारी कहते हैं और बाबू को तब तक एक प्रमुख अभिनेता थे जो अपने करियर के क्रावोग्राफर को बनाए रखते हैं और विरोधी को सहायक भूमिका निभाते हैं और वह एक सफल फैसला करते हैं। इसमें पहली नंदमूरी बालकृष्ण स्टार लेजर द्वारा काम किया गया और समीक्षा के साथ देखा गया, जिसमें बार बार एक विरोधी की भूमिका को उजागर किया और जितेश सारथी द्वारा निर्मित के साथ बताया गया। वहीं प्रदर्शन की गई और प्रशंसा भी किया गया, जहां पर रजनीकांत के साथ नकारात्मक तो भूमिका के साथ 2015 में देखा गया। बताया जाता है कि यह फिल्म काफ़ी बेहतरीन है और काफ़ी अच्छी है। वहीं पर 2018 में रंगस्थल सुकुमार के निर्देशन बाबू और नामांकन गाँव के दमनकारी के साथ भूमिका निभाई, जहाँ पर 2 मिलियन से अधिक कमाई की और रंगस्थल उस वर्ष का सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म था। और इसके साथ ही पता चला कि गुंडाचारी में एक बांग्लादेशी आतंकवादी की भूमिका निभाई, जो एक स्लीपर हिट बन गई। उनकी भूमिका को त्रिवंत श्रीवास द्वारा निर्देशित और अरविंद समिता के वीरा राघव द्वारा तैयार किया गया और 2018 को उनके करियर की बेहतरीन प्रदर्शनों के रूप में जाना जाता है। 2019 में उनके उल्लेखनीय रचना महर्षि थियाईस नरसिम्हा रेड्डी के साथ महत्वपूर्ण भूमिका के लिए देखे गए। बताया जाता कि यह फिल्म काफ़ी बेहतरीन है और काफ़ी अच्छी है। रामबन 2023 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन थिएटर फिल्म के निर्देशक है, जो श्रीनिवास के भूपति राजा द्वारा लिखित और कहानी पर किया, जहां पर इसमें गोविंद चंद के डिंपल कवाडिया, अरोरा और सचिन खेटकर जैसे कलाकारों की टुकड़ी इसका निर्माण और पीपल मीडिया ट्रैफिक के तहत टीजा विश्व प्रसाद और विवेक कुछ भोटा के साथ देखे गए, जहां पर साउंड ट्रैक और बैकग्राउंड स्कोर की रचना मिक मेजर द्वारा किया गया। समीक्षा की और बात की और यह कहा।
हेलो दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ रामबाण फिल्म के बारे में जो 2023 की भारतीय तमिल भाषा की और तेलुगु भाषा की फिल्म है, जिसे निर्देशक श्री निवास द्वारा और भूपति राजा के निर्देशन में लिखी गई और कहानी पर जोर दिया गया। इसमें गोविंद चंद, डिंपल हाइस और जगपति बाबू नायर्स, निवेल्स किशोर, तिरुवंत अरोरा और सचिन खेड़कर जैसे कलाकारों की टुकड़ी है। इसका निर्माण पीपल मीडिया फैक्ट्री के तहत टीजी विश्वास प्रसाद और विवेक कुची भोटपा ने किया था, जहां पर साउंडट्रैक और बैकग्राउंड को स्कोर की रचना की और मिक जे मेयर के साथ काम किया। इसके निर्देशक में श्रीनिवास है, वहीं पाठकथा के लेखक भी श्रीनिवास है। वहीं संपादक की बात करें तो मधुसूदन दंपति है, वहाँ कहानी भूपति राजा द्वारा दिया गया। वहीं इसकी उत्पादन टीजी विश्व श्री प्रसाद और विवेक कुचिम भोटा के साथ देखा गया। अभिनेता के रूप में गोविंद चंद, डिंपल हाईस्ट्रीट और जगपति बाबू है। छाया खान के रूप में वेलिंग और पायलन सीमा है। जहां पर बात किया जाता है इसका संपादक की तो प्रवीण मोडी है। वहीं संगीत को मिकी जे मेयर द्वारा दिया गया और इसकी प्रोड्यूसर कंपनी लोक मीडिया फैक्ट्री रखी गई। यह रिलीज की तारीख 5 मई 2023 रखी गई। यह कार्यक्रम समय 140 मिनट रखा गया। यह भारत के तेलुगु भाषा के साथ इसे लॉन्च किया गया। रामबाण को 5 मई 2023 को दुनिया भर में रिलीज कर दिया और आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली। कोलकाता के एक गैंगस्टर विक्की को पता चला कि उसका भाई राजा राम जी के से खतरे में है, जो खादी धोखाधड़ी का कारोबार चलाता है और अपनी प्रेमिका भैरवी के साथ सुलझाने और सुलझाने के बाद उसे मुद्दे को संभालने के साथ उसकी रक्षा करने का फैसला करता है, जिसके बाद काफी ज्यादा मुक्त रूप से इसे देखा जाता है और यह फिल्म 5 मई को रिलीज कर दिया जाता है। रामबांध को आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली। द टाइम्स ऑफ इंडिया के नीतीश न्यायपति ने लिखा कि रामबांध का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें पेशकश करने के लिए कुछ भी नहीं है और यह एक जोश पेशकश करता है वह सादा उपजाऊ है, जो 123 तेलुगु में 5 में से 2.5 स्टार दिया गया। और लिखा गया कि रामबाण नियमित व्यावसायिक पोटा बोलर है जिसमें कोई नया नाप नहीं है। गोविंद चंद का प्रदर्शन पहली 6 माह में कुछ कॉमेडियन दृश्य और एक्शन सीक्वेंस फिल्म में केवल प्लान पोस्टिस के साथ द हिंदू भुवनेश्वर चंद्र ने लिखा और निर्देशन किया, जहां पर श्रीनिवास की पहली व्यावसायिक मनोरंजन पैकेज के करने में के साथ अपने प्रयासों में विफल रही, जहां पर केवल इसकी पेदाचिरी कथनांक की गई, जिसका क्षमा और भटकाने के लिए मामले को कदरन बनाने का इसमें अजीबो गरीब चुटकुटाते हास किए गए। बताया जाता है कि यह फिल्म काफी बेहतरीन है और इसे काफी ज्यादा दर्शकों ने भी पसंद किया और अच्छा रिस्पॉन्स किया। जहां पर देखा जाए तो इसकी समीक्षा की ओर आगे बढ़ता है और सिनेमा एक्सप्रेस के साथ देखे जाते हैं और 5 में से केरुकुलिक द्वारा 2.5 स्टार लिखा गया। और जबकि फिल्म को पहलू अस्पष्ट रूप से इसके पक्ष में काम करते चाहते हैं, वह अस्पष्ट अंतर्राष्ट्रीय स्थानों में शूट किए गए, जहां पर 3 अनमोल रोमांटिक नंबर हो या इसके असंबंध गलत विरोधी रमा बनम भी भारी लड़खड़ाते अपर्याप्त संघर्ष या परिणामों के बिना अपने नायक के ऊपर उठाने के अपने बड़े पैमानों का अनुपात दृष्टिकोण कारण के OT2 प्लेट के श्री त्वंस के सदा धूर्ण के साथ काम किया। 5 में से 2 सितारे दिए गए और लिखा गया कि रामबाण थकाव देने वाला व्यावसायिक मनोरंजन फिल्म है जो शुरू से ही सहनीय है लेकिन मध्यांतर के बाद इज्जत खो देता है, जहां पर गोविंद चंद जरूरतमंद करते हैं लेकिन लेखक और दृश्य प्रभाव करने के लिए बहुत कुछ करती है और जीवन को दो भाइयों के इर्द गिर्द अजमाए और परखे हुए खाक में बदलना चाहती है। जहां पर फिल्म के कॉम्पिनियन के साथ राम वेंकट और श्रीकर द्वारा लिखा गया, रामबांध को एक कई नाटकीय क्षणों के आवश्यकता जी था जो पात्रों और नाटक की कृतिमन से परे था, जो एक बिंदु पर चरित्र मजाक में तारीफ करता था। वहीं पर समीक्षा की और बात किया और इसको आगे बढ़ाया, जहां पर फिल्म के कंपनियों वेंकटेश द्वारा राम द्वारा लिखे गए और नाटकीय क्षणों को आवश्यक था जो पात्रों और नाटक के कृतिन से परे थे और एक बिंदु पर एक चित्रण के मजाक में तारीफ करता कि राजा
राम पर घर शूटिंग स्थान करता है और मोयाजाजे तारीफ करता है। जहाँ पर राम बांध के शूटिंग जितना अच्छा दिखता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि यह वास्तव में शूटिंग का स्थान है। बिल्कुल यह जैसा दिखता है दृश्य मंच अभिनेता के साथ फ्रेम आबाद करके मुश्किलों का संवाद बोलना पड़ता है। दृश्य के कुर्तमियों से कृति का प्रस्तुति करता है। बताया जाता है कि इसका अभिनेता की बात करें तो गोविंद चंद है। कहा जाता है कि गोविंद चंद का पूरा नाम टेटो पुड़िक गोविंद चंद है, जिनका जन्म 12 जून 1989 को एक भारतीय अभिनेता के रूप में हुआ, जो प्रमुख रूप से तेलुगु सिनेमाओं में काम करते और एक्शन फिल्मों में अपनी फिल्मों के साथ जाने जाते हैं। और उन्होंने मुख्य अभिनेता थोली वलाई के साथ 2001 के साथ अपनी शुरुआती की और जयम के साथ 2002 और निजम 2003 के वर्षम 2004 जैसी फिल्मों के विरुद्ध के साथ भूमिका के बाद 2004 के अवज्ञन के साथ सफलता मिली। वहीं पर बताया गया कि यह फिल्म काफी बेहतरीन है और इसके उल्लेखनीय कृतियों के यह बात किया गया और इन्होंने बहुत सारे फिल्मों में काम किया। इनकी प्रारंभिक जीवन की बात करें तो गोविंद चंद का जन्म आंध्र प्रदेश के प्रकाश जिले के तिरुवनंतपुरम पास एक गांव में हुआ था। वह फिल्म निर्माता टी कृष्णन के छोटे बेटे थे और 8 साल के थे तभी पिता की मृत्यु हो गई थी। उन्होंने नी डेस्परोइड द्वारा उगेन के साथ उनके पिता का स्थापित और रामकृष्ण मिशन स्कूल चेन्नई के स्कूल शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने रूस में मैकेनिक इंजीनियरिंग का अध्ययन किया। उनके बड़े भाई प्रेमचंद्र के मुथैया सुबियान के अधीन एक सहयोगी निदेशक थे और उन्होंने निर्देशन के रूप में काम करना शुरू कर दिया। हालांकि एक कार दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। गोविंद चंद का वक्त रूस में थे और वीजा संबंधित दिक्कतों के चलते उनके अंतिम संस्करण में शामिल नहीं हो सके। उनकी एक छोटी बहन भी है जो दत्तक चिकित्सक है। अपनी इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद उन्होंने अपनी पिता के विरासत को जारी रखने के लिए फिल्मों में अपना करियर बनाने का फैसला किया और 1 साल के लिए डायलॉग मोस्टिड्यूलेशन कोर्स किया, जहां पर वह प्रभास भी वामसी रेड्डी और बाद में दो प्रमोद उपपत्ति के करीबी दोस्त हैं जो यूवी क्रिएट्स के मालिक हैं, जो तेलुगु सिनेमाओं के रूप में प्रोड्यूसर हाउस हैं। गोविंद चंद ने फिल्म को अथोली के वलप्पुई के साथ मुख्य भूमिका निभाई। उन्होंने अपनी अगली फिल्मों में जय निजाम और वामसम के नकारात्मक भूमिका निभाई, जहां पर जय में उनके प्रदर्शन के प्रति सकारात्मक स्वागत के बाद की गई, जहां पर उन्होंने अपने फिल्म तमिल भाषा और उसी दृश्य के रीमेक के साथ अपने करियर की आर दोहराई। वहीं पर 2004 में अवज्ञक 2005 के अद्वंत फिल्मों के साथ नायक के रूप में अपनी वापसी की। 2006 में उन्होंने व्यावसायिक रूप से सफलता हासिल किया और राम नाम के साथ देखे गए और उनकी बात की, जहां पर अपने व्यवसाय को सफल बनाने के बाद राम भवन और व्यावसायिक रूप से असफल रूप से सफल राम का साथ मिला, जहां पर उनकी 2007 में रिलीज ओका नायडू और लक्ष्मय और 2008 की रिलीज ओटी आरी है, जो सौंदर्य के साथ उनको एक बार फिर से खूबसूरत संयम को रिलीज करती है। उनकी रिलीज 2010 के गोविंद मार में हुआ था। उन्होंने वास्तविक जीवन पुलिस वाले दायक नायक से प्रेरित एक मुठभेड़ विशेषज्ञ की भूमिका निभाई थी और देखा था। वहीं पर 2011 में उन्होंने मोगुड और वांटेड में अभिनय किया, लेकिन दो अन्य व्यावसायिक में काम करने के बाद के रूप असफल रही। 2013 में उन्होंने एक्शन एडवेंचर फिल्म सहायस के लिए निर्देशन शुरू किया और चंद्रशेखर रियल्टी के ओक्योंड द्वारा बाद के बाद साथ फिर से काम किया गया, जो उस समय उनकी सबसे बड़ी व्यावसायिक रूप से सफलता मिल गई और बन गई। 2004 में उन्होंने कोयला में व्यावसायिक रूप से अभिनय किया और उनकी सबसे सफल फिल्म बन गई। 2015 में उन्होंने जिले और कुख्यात में अभिनय किया, जहां पर 2017 के साथ उन्होंने अभिनय किया और गौतम नंदा को ओजिशन, जो व्यावसायिक रूप से असफल रहे। वहीं उनकी अगली फिल्म आराम बुलेट के साथ उसने असली रिलीज के होने के बाद की गई, लेकिन 2021 के साथ अपने काम किया गया और यह नियमित नाटक के बन गई, जिसमें एक और झटका लगा और उन्होंने पथक में एक
सतर्क व्यक्ति की भूमिका निभाई, जो 25वीं फिल्म थी। 2019 में चाणक्य के एक जासूसी भूमिका निभाई, जहां पर सितंबर 2021 के संपत नंदिनी द्वारा निर्देशित स्पोर्ट्स एक्शन के सीतामरण को सकारात्मक समीक्षा मिली और बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। फिल्म के सहकलाकारों और तमान्य विवाम के साथ सूर्यवंशी की भूमिका के चावला के साथ उन्होंने एक अन्य फिल्म पक्का करिश्माइक पर काम किया, जो मूर्ति के साथ निर्देशन में किया गया था और मूवी क्रिप्ट द्वारा दो पिक्चर्स द्वारा निर्मित किया गया था। कहा जाता है कि जिसमें नायक की भूमिका के रूप में राशि खन्ना की श्रीनिवास द्वारा निर्देशित और उनकी अगली फिल्म रामनाजी द्वारा 2023 को घोषित किया गया था। और यह फिल्म श्रीनिवास और गोविंद चंद के हैट्रिक संयोजन की वापसी का प्रतीक है, जो गोविंद चंद के 30 फिल्मों के रूप में चिन्हित किया। वहीं पर उनका और पालन पोषण आंध्र प्रदेश के तिरुवनंतपुरम में हुआ था और उन्होंने 2013 के तेलुगु अभिनेता श्रीकांत के भतीजा रेशमा के शादी के साथ इस जोड़ी के दो बेटों के साथ किया था समीक्षा की और बात किया और इन्हें पुरस्कार भी मिला। वहीं पर देखा जाता है कि यह फिल्म काफ़ी बेहतरीन है, जहां पर अपनी भूमिका के साथ देखे गए। वहीं पर डिंपल हायती है, बताया जाता है कि डिंपल हायती जो भारतीय अभिनेत्री है जो प्रमुख रूप से तेलुगु सिनेमाओं में काम करती। बताया जाता है कि हायती का जन्म आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में हुआ था, जो तमिल पिता और तेलुगु भाषी माँ के घर में हुआ था। उनका पोषण हैदराबाद में हुआ था पालन पोषण, और उनका जन्म डिंपल कबाड़िया के रूप में हुआ था, लेकिन बाद में संख्यात्मक कारणों और अपना अंतिम नाम हायती के साथ एक साथ जोड़ लिया। हायती को 19 साल की उम्र में तेलुगु के फिल्म गल्फ में 2017 में डेब्यू करने का मौका मिल गया और अपने करियर की शुरुआत के बाद हायती ने द्विभाषी फिल्मों देवी 2 के साथ 2019 में अभिनय करके पहले एक तेलुगु फिल्म यूरके से अभिनय किया, जहां पर उनकी अगली उपस्थिति थी फिल्म गोना कोंडा में गणेश 2019 के वरुण तेजा और अरवंत के साथ एक लाइटोम नंबर्स जारी गीत के साथ देखा गया। समीक्षा की और बात किया और आरएस शरद कुमार में देखा जाता है। वहीं पर कहा गया कि यह फिल्म काफ़ी बेहतरीन है, जिसके फिल्म के कोरियोग्राफर को भी पसंद किया गया। वहीं पर अभिनेता के रूप में आखिरकार जगपति बाबू भी नजर आए हैं। जगपति बाबू का पूरा नाम वीरांत चेची जगपति चौधरी है, जिनका जन्म 12 फरवरी 1962 को हुआ, जिन्होंने पेशेवर रूप से जगपति बाबू उच्चारण सहायक जानकारी के नाम से जाना जाता है। एक भारतीय अभिनेता है जो प्रमुख रूप से तेलुगु सिनेमाओं में काम करने के लिए जाने जाते हैं और कुछ तमिल कनाडा और मलयालम फिल्मों में भी दिखाई देते हैं। 33 साल की उम्र में बाबू ने फिल्म का पुरस्कार जीता और साथ राज्य नंदिनी पुरस्कार प्राप्त किया। वहीं पर बात करें तो इनकी प्रारंभिक जीवन की, तो जगपति बाबू का जन्म 12 फरवरी 1962 को मछिलपट्टनम के अनुभवी निर्माता निर्देशक बीबी राजेंद्र प्रसाद के घर हुआ था, जो तेलुगु सिनेमाओं में अपनी पहचान बनाने से पहले उन्हें चेन्नई तमिलनाडु के लायक बनने और लक्ष्मी शादी करने के दो बेटी के साथ देखा गया। बाबू ने तेलुगु सिनेमा सर्वप्रथम 1989 में अपने शुरुआत किया, जो पिता द्वारा निर्मित पीवी मधुसूदन राव पर निर्देशित था। उसी वर्ष उन्होंने एडवोन अभिनय मडून में अभिनय किया और उनके अभिनय के व्यावसायिक सफल रही। 1992 के रिलीज के साथ की गई और फोरांटी के साथ काम पर देखा गया, जहां पर 1993 में राम गोपाल वर्मा द्वारा निर्देशित गायक के रूप में अपनी सफलता हासिल की। उन्होंने एस बी कृष्णन रेड्डी द्वारा निर्देशित मावी चूरन में काम किया और अपने भूमिका के लिए 1996 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार जीता। समीक्षा की और 1997 में सुहास कासु और पेल्लानी के पंडिर जैसी रनवेट हिल फिल्म देखी गई। वहीं पर 1998 में उन्होंने अवंतपुरम के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और नंदिनी पुरस्कार जीता। उन्होंने थिएटर के मनोहरम में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता और 2003 में उन्होंने गड़बड़ी अथावे ओकाल्स के साथ कर दिया, जहां पर बात करते हुए कला प्रदर्शन द्वारा सिनेमा में उनके योगदान के लिए
सुना गया और भूषण पुरस्कार मिला। उनकी पहली तमिल मद्रासी फिल्म है जो 2012 के तमिल एडवोम में प्रतिस्पर्धित के रूप में दिखाई दी। इसके बाद जय बोलो गंगा के मुख्य भूमिका निभाई जिसमें 5 नंदनी पुरस्कार जीते और 2012 में उन्होंने कनाडा फिल्म बचपन के साथ पुलिस के रूप में शुरुआत किया। 2014 के बाद बाबू ने अपनी पहली पसंद भूमिका में पूरी तरह से बदल लिया जिससे वे दूसरी पारी कहते हैं और बाबू को तब तक एक प्रमुख अभिनेता थे जो अपने करियर के क्रावोग्राफर को बनाए रखते हैं और विरोधी को सहायक भूमिका निभाते हैं और वह एक सफल फैसला करते हैं। इसमें पहली नंदमूरी बालकृष्ण स्टार लेजर द्वारा काम किया गया और समीक्षा के साथ देखा गया जिसमें बार बार एक विरोधी की भूमिका को उजागर किया और जितेश सारथी द्वारा निर्मित के साथ बताया गया। वहीं प्रदर्शन की गई और प्रशंसा भी किया गया जहां पर रजनीकांत के साथ नकारात्मक तो भूमिका के साथ 2015 में देखा गया। बताया जाता है कि यह फिल्म काफ़ी बेहतरीन है और काफ़ी अच्छी है। वहीं पर 2018 में रंगस्थल सुकुमार के निर्देशन बाबू और नामांकन गाँव के दमनकारी के साथ भूमिका निभाई जहाँ पर 2 मिलियन से अधिक कमाई की और रंगस्थल उस वर्ष का सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म था। और इसके साथ ही पता चला कि गुंडाचारी में एक बांग्लादेशी आतंकवादी की भूमिका निभाई जो एक स्लीपर हिट बन गई। उनकी भूमिका को त्रिवंत श्रीवास द्वारा निर्देशित और अरविंद समिता के वीरा राघव द्वारा तैयार किया गया और 2018 को उनके करियर की बेहतरीन प्रदर्शनों के रूप में जाना जाता है। 2019 में उनके उल्लेखनीय रचना महर्षि थियाईस नरसिम्हा रेड्डी के साथ महत्वपूर्ण भूमिका के लिए देखे गए। बताया जाता है कि यह फिल्म काफ़ी बेहतरीन है और काफ़ी अच्छी है। रामबन 2023 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन थिएटर फिल्म के निर्देशक है जो श्रीनिवास के भूपति राजा द्वारा लिखित और कहानी पर किया जहां पर इसमें गोविंद चंद के डिंपल कवाडिया अरोरा और सचिन खेटकर जैसे कलाकारों की टुकड़ी इसका निर्माण और पीपल मीडिया ट्रैफिक के तहत टीजा विश्व प्रसाद और विवेक कुचभोटा के साथ देखे गए जहां पर साउंडट्रैक और बैकग्राउंड स्कोर की रचना मिक मेजर द्वारा किया गया। समीक्षा की और बात की और यह कहा। हेलो दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ रामबाण फिल्म के बारे में जो 2023 की भारतीय तमिल भाषा की और तेलुगु भाषा की फिल्म है जिसे निर्देशक श्री निवास द्वारा और भूपति राजा के निर्देशन में लिखी गई और कहानी पर जोर दिया गया। इसमें गोविंद चंद, डिंपल, हाइस और जगपति बाबू नायर्स, निवेल्स किशोर, तिरवंत अरोरा और सचिन खेड़कर जैसे कलाकारों की टुकड़ी है। इसका निर्माण पीपल मीडिया फैक्ट्री के तहत टीजी विश्वास प्रसाद और विवेक कुची भोटपा ने किया था जहां पर साउंडट्रैक और बैकग्राउंड को स्कोर की रचना की और मिक जे मेयर के साथ काम किया। इसके निर्देशक में श्रीनिवास है। वहीं पाठकथा के लेखक भी श्रीनिवास है। वहीं संपादक की बात करें तो मधुसूदन दंपति है। वहाँ कहानी भूपति राजा द्वारा दिया गया। वहीं इसकी उत्पादन टीजी विश्व श्री प्रसाद और विवेक कुचिमभोटा के साथ देखा गया। अभिनेता के रूप में गोविंद चंद, डिंपल, हाईस्ट्रीट और जगपति बाबू है। छायाखान के रूप में वेलिंग और पायलन सीमा है। जहाँ पर बात किया जाता है इसका संपादक की तो प्रवीण मोडी है। वहीं संगीत को मिकी जे मेयर द्वारा दिया गया और इसकी प्रोड्यूसर कंपनी लोग मीडिया फैक्ट्री रखी गई। यह रिलीज की तारीख 5 मई 2023 रखी गई। यह कार्यक्रम समय 140 मिनट रखा गया। यह भारत के तेलुगु भाषा के साथ इसे लॉन्च किया गया। रामबाण को 5 मई 2023 को दुनिया भर में रिलीज कर दिया और आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली। कोलकाता के एक गैंगस्टर विक्की को पता चला कि उसका भाई राजा राम जी के से खतरे में है जो खादी धोखाधड़ी का कारोबार चलाता है और अपनी प्रेमिका भैरवी के साथ सुलझाने के बाद उसे मुद्दे को संभालने के साथ उसकी रक्षा करने का फैसला करता है जिसके बाद काफी ज्यादा मुक्त रूप से इसे देखा जाता है और यह फिल्म 5 मई को रिलीज कर दिया जाता है। रामबांध को आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली। द टाइम्स ऑफ इंडिया के नीतीश न्यायपति ने लिखा कि रामबांध का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें पेशकश करने के लिए कुछ
भी नहीं है और यह एक जोश पेशकश करता है। वह सादा उपजाऊ है जो 123 तेलुगु में 5 में से 2.5 स्टार दिया गया और लिखा गया कि रामबान नियमित व्यावसायिक पोटा बॉलर है जिसमें कोई नया नाप नहीं है। गोविंद चंद का प्रदर्शन पहली 6 माह में कुछ कॉमेडियन दृश्य और एक्शन सीक्वेंस फिल्म में केवल प्लान पोस्टिस के साथ द हिंदू भुवनेश्वर चंद्र ने लिखा और निर्देशन किया, जहां पर श्रीनिवास की पहली व्यावसायिक मनोरंजन पैकेज के करने में के साथ अपने प्रयासों में विफल रही, जहां पर केवल इसकी पेदाचिरी कथनांक की गई जिसका क्षमा और भटकाने के लिए मामले को कदरन बनाने का इसमें अजीबोगरीब चुटकुटाते हास किए गए। बताया जाता है कि यह फिल्म काफ़ी बेहतरीन है और इसे काफ़ी ज़्यादा दर्शकों ने भी पसंद किया और अच्छा रिस्पॉन्स किया। जहां पर देखा जाए तो इसकी समीक्षा की ओर आगे बढ़ता है और सिनेमा एक्सप्रेस के साथ देखे जाते हैं और 5 में से केरुकुलिक द्वारा 2.5 स्टार लिखा गया और जबकि फिल्म को पहलू स्पष्ट रूप से इसके पक्ष में काम करते चाहते हैं वह स्पष्ट अंतर्राष्ट्रीय स्थानों में शूट किए गए जहां पर 3 अनमोल रोमांटिक नंबर हो या इसके असंबंध गलत विरोधी रमा बनम भी भारी लड़खड़ाते अपर्याप्त संघर्ष या परिणामों के बिना अपने नायक के ऊपर उठाने के अपने बड़े पैमानों का अनुपात दृष्टिकोण कारण के OTT प्लेट के श्री त्वंश के सदा धूर्ण के साथ काम किया। 5 में से 2 सितारे दिए गए और लिखा गया कि रामबान थकाव देने वाला व्यावसायिक मनोरंजन फिल्म है जो शुरू से ही सहनीय है लेकिन मध्यांतर के बाद इज्जत खो देता है, जहां पर गोविंद चंद जरूरतमंद करते हैं लेकिन लेखक और दृश्य प्रभाव करने के लिए बहुत कुछ करती है और जीवन को 2 भाइयों के इर्द गिर्द अजमाए और परखे हुए खाक में बदलना चाहती है। जहां पर फिल्म के कॉम्पिनियन के साथ राम वेंकट और श्रीकर द्वारा लिखा गया रामबांध को एक कई नाटकीय क्षणों के आवश्यकता जी था जो पात्रों और नाटक की कृतिमन से परे था जो एक बिंदु पर चरित्र मजाक में तारीफ करता था। वहीं पर समीक्षा की और बात किया और इसको आगे बढ़ाया जहां पर फिल्म के कंपनियों वेंकटेश द्वारा राम द्वारा लिखे गए और नाटकीय क्षणों को आवश्यक था जो पात्रों और नाटक के कृतिन से परे थे और एक बिंदु पर एक चित्रण के मजाक में तारीफ करता कि राजा राम पर घर शूटिंग स्थान करता है और मजाजे तारीफ करता है जहां पर राम बांध के शूटिंग जितना अच्छा दिखता है ऐसा इसलिए है क्योंकि यह वास्तव में शूटिंग का स्थान है, बिल्कुल यह जैसा दिखता है। दृश्य मंच अभिनेता के 7 फ्रेम आबाद करके मुश्किलों का संवाद बोलना पड़ता है, दृश्य के कुर्तुमियों से कृति का प्रस्तुति करता है। बताया जाता है कि इसका अभिनेता की बात करें तो गोविंद चंद है। कहा जाता है कि गोविंद चंद का पूरा नाम टेटो पुड़िक गोविंद चंद है जिनका जन्म 12 जून 1989 को एक भारतीय अभिनेता के रूप में हुआ जो प्रमुख रूप से तेलुगु सिनेमाओं में काम करते और एक्शन फिल्मों में अपनी फिल्मों के साथ जाने जाते और उन्होंने मुख्य अभिनेता थोली वलाई के साथ 2001 के साथ अपनी शुरुआती की और जयम के साथ 2002 और निजम 2003 के वर्षम 2004 जैसी फिल्मों के विरुद्ध के साथ भूमिका के बाद 2004 के अवज्ञन के साथ सफलता मिली। वहीं पर बताया गया कि यह फिल्म काफ़ी बेहतरीन है और इसके उल्लेखनीय कृतियों के यह बात किया गया और इन्होंने बहुत सारे फिल्मों में काम किया। इनकी प्रारंभिक जीवन की बात करें तो गोविंद चंद का जन्म आंध्र प्रदेश के प्रकाश जिले के तिरुवंतरम पास एक गाँव में हुआ था। वह फिल्म निर्माता टी कृष्णन के छोटे बेटे थे और 8 साल के थे तभी पिता की मृत्यु हो गई थी। उन्होंने नी डेस्परोइड द्वारा ओगेन के साथ उनके पिता का स्थापित और रामकृष्ण मिशन स्कूल चेन्नई के स्कूल शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने रूस में मैकेनिक इंजीनियरिंग का अध्ययन किया। उनके बड़े भाई प्रेमचंद्र के मुथैया सुबियान के अधीन एक सहयोगी निदेशक थे और उन्होंने निर्देशन के रूप में काम करना शुरू कर दिया। हालांकि एक कार दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। गोविंद चंद का वक्त
तुरंत रूस में थे और वीजा संबंधित दिक्कतों के चलते उनके अंतिम संस्करण में शामिल नहीं हो सके। उनकी एक छोटी बहन भी है जो दत्तक चिकित्सक है। अपनी इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद उन्होंने अपनी पिता के विरासत को जारी रखने के लिए फिल्मों में अपना करियर बनाने का फैसला किया और एक साल के लिए डायलॉग मोस्टिडलेसन कोर्स किया, जहां पर वह प्रभास भी वामसी रेड्डी और बाद में दो प्रमोद उपपत्ति के करीबी दोस्त हैं जो यूवी क्रिएट्स के मालिक हैं, जो तेलुगु सिनेमाओं के रूप में प्रोड्यूसर हाउस हैं। गोविंद चंद ने फिल्म को अथोली के वलप्पुई के साथ मुख्य भूमिका निभाई। उन्होंने अपनी अगली फिल्मों में जय निजाम और वामसम के नकारात्मक भूमिका निभाई, जहां पर जय में उनके प्रदर्शन के प्रति सकारात्मक स्वागत के बाद की गई, जहां पर उन्होंने अपने फिल्म तमिल भाषा और उसी दृश्य के रीमेक के साथ अपने करियर की आर दोहराई। वहीं पर 2004 में अवज्ञा, 2005 के अद्वंत फिल्मों के साथ नायक के रूप में अपनी वापसी की। 2006 में उन्होंने व्यावसायिक रूप से सफलता हासिल किया और राम नाम के साथ देखे गए और उनकी बात की, जहां पर अपने व्यवसायिक को सफल बनाने के बाद रामवंत और व्यावसायिक रूप से असफल रूप से सफल राम का साथ मिला, जहां पर उनकी 2007 में रिलीज ओका नायडू और लक्ष्मय और 2008 की रिलीज ओटी आरी है, जो सौंदर्य के साथ उनको एक बार फिर से खूबसूरत संयम को रिलीज करती है। उनकी रिलीज 2010 के गोविंद मार में हुआ था। उन्होंने वास्तविक जीवन पुलिस वाले दायक नायक से प्रेरित एक मुठभेड़ विशेषज्ञ की भूमिका निभाई थी और देखा था। वहीं पर 2011 में उन्होंने मोगुड और वांटेड में अभिनय किया, लेकिन दो अन्य व्यावसायिक में काम करने के बाद के रूप असफल रही। 2013 में उन्होंने एक्शन एडवेंचर फिल्म सहायस के लिए निर्देशन शुरू किया और चंद्रशेखर रियल्टी के ओक्योंड द्वारा बाद के बाद साथ फिर से काम किया गया, जो उस समय उनकी सबसे बड़ी व्यावसायिक रूप से सफलता मिल गई और बन गई। 2004 में उन्होंने कोयला में व्यावसायिक रूप से अभिनय किया और उनकी सबसे सफल फिल्म बन गई। 2015 में उन्होंने जिले और कुख्यात में अभिनय किया, जहां पर 2017 के साथ उन्होंने अभिनय किया और गौतम नंदा को ओजीशन, जो व्यावसायिक रूप से असफल रहे। वहीं उनकी अगली फिल्म आराम बुलेट के साथ उसने असली रिलीज के होने के बाद की गई, लेकिन 2021 के साथ अपने काम किया गया और यह नियमित नाटक के बन गई, जिसमें एक और झटका लगा और उन्होंने पथक में एक सतर्क व्यक्ति की भूमिका निभाई, जो 25वीं फिल्म थी। 2019 में चाणक्य के एक जासूसी भूमिका निभाई, जहां पर सितंबर 2021 के संपत नंदनी द्वारा निर्देशित स्पोर्ट्स एक्शन के सीतामरण को सकारात्मक समीक्षा मिली और बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। फिल्म के सह कलाकारों और सामान्य विभाग के साथ सूर्यवंशी की भूमिका के चावला के साथ उन्होंने एक अन्य फिल्म पक्का करिश्माइक पर काम किया, जो मूर्ति के साथ निर्देशन में किया गया था और मूवी क्रिप्ट द्वारा दो पिक्चर्स द्वारा निर्मित किया गया था। कहा जाता है कि जिसमें नायक की भूमिका के रूप में राशि खन्ना की श्रीनिवास द्वारा निर्देशित और उनकी अगली फिल्म रामनजीक द्वारा 2023 को घोषित किया गया था और यह फिल्म श्रीनिवास और गोविंद चंद के हैट्रिक संयोजन की वापसी का प्रतीक है, जो गोविंद चंद के 30 फिल्मों के रूप में चिन्हित किया। वहीं पर उनका और पालन पोषण आंध्र प्रदेश के तिरुवनंतपुरम में हुआ था और उन्होंने 2013 के तेलुगु अभिनेता श्रीकांत के भतीजा रेशमा के शादी के साथ इस जोड़ी के दो बेटों के साथ किया था समीक्षा की और बात किया और इन्हें पुरस्कार भी मिला। वहीं पर देखा जाता है कि यह फिल्म काफी बेहतरीन है, जहां पर अपनी भूमिका के साथ देखे गए। वहीं पर डिंपल हायती है, बताया जाता है कि डिंपल हायती जो भारतीय अभिनेत्री है जो प्रमुख रूप से तेलुगु सिनेमाओं में काम करती। बताया जाता है कि हायती का जन्म आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में हुआ था, जो तमिल पिता और तेलुगु भाषी माँ के घर में हुआ था। उनका पोषण हैदराबाद में हुआ था पालन पोषण और उनका जन्म डिंपल कबाड़िया के रूप में हुआ था, लेकिन बाद में संख्यात्मक कारणों और अपना अंतिम नाम हायती के साथ एक साथ जोड़ लिया। हायती को 19 साल की उम्र में तेलुगु के फिल्म गल्फ में 2017 में डेब्यू करने का मौका मिल गया
और अपने करियर की शुरुआत के बाद हाइची ने द्विभाषी फिल्मों देवी टू के साथ 2019 में अभिनय करके पहले एक तेलुगु फिल्म यूरके से अभिनय किया, जहां पर उनकी अगली उपस्थिति थी फिल्म गोना कोंडा में गणेश 2019 के वरुण तेजा और अरवंत के साथ एक लाइटोम नंबर्स जारी गीत के साथ देखा गया। समीक्षा की और बात किया और आर एस शरद कुमार में देखा जाता है, वहीं पर कहा गया कि यह फिल्म काफ़ी बेहतरीन है, जिसके फिल्म के कोरियोग्राफर को भी पसंद किया गया। वहीं पर अभिनेता के रूप में आखिरकार जगपति बाबू भी नजर आए हैं। जगपति बाबू का पूरा नाम वीरांत चेची जगपति चौधरी है, जिनका जन्म 12 फरवरी 1962 को हुआ, जिन्होंने पेशेवर रूप से जगपति बाबू उच्चारण सहायक जानकारी के नाम से जाना जाता है। एक भारतीय अभिनेता है जो प्रमुख रूप से तेलुगु सिनेमाओं में काम करने के लिए जाने जाते हैं और कुछ तमिल, कन्नड़ा और मलयालम फिल्मों में भी दिखाई देते हैं। 33 साल की उम्र में बाबू ने फिल्म का पुरस्कार जीता और 7 राजीव नंदिनी पुरस्कार प्राप्त किया। वहीं पर बात करें तो इनकी प्रारंभिक जीवन की, तो जगपति बाबू का जन्म 12 फरवरी 1962 को मच्छिलपट्टनम के अनुभवी निर्माता निर्देशक बीबी राजेंद्र प्रसाद के घर हुआ था, जो तेलुगु सिनेमाओं में अपनी पहचान बनाने से पहले उन्हें चेन्नई तमिलनाडु के लायक बनने और लक्ष्मी शादी करने के दो बेटी के साथ देखा गया। बाबू ने तेलुगु सिनेमा सर्वप्रथम 1989 में अपने शुरुआत किया, जो पिता द्वारा निर्मित पीबी मधुसूदन राव पर निर्देशित था। उसी वर्ष उन्होंने एडवोन अभिनय मडून में अभिनय किया और उनके अभिनय के व्यावसायिक सफल रही। 1992 के रिलीज के साथ की गई और पोरांती के साथ काम पर देखा गया, जहां पर 1993 में राम गोपाल वर्मा द्वारा निर्देशित गायक के रूप में अपनी सफलता हासिल की। उन्होंने एस बी कृष्णन रेड्डी द्वारा निर्देशित मावी चूरन में काम किया और अपने भूमिका के लिए 1996 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार जीता। समीक्षा की और 1997 में सुभाष कासु और पेल्लानी के पंडिर जैसी रनवेट हिल फिल्म देखी गई। वहीं पर 1998 में उन्होंने अवंतपुरम के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और नंदिनी पुरस्कार जीता। उन्होंने थिएटर के मनोहरम में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता और 2003 में उन्होंने गड़बड़ी अथावेक ओकाल्स के साथ कर दिया, जहां पर बात करते हुए कला परिषद द्वारा सिनेमा में उनके योगदान के लिए चुना गया और भूषण पुरस्कार मिला। उनकी पहली तमिल मद्रासी फिल्म है, जो 2012 के तमिल एडवोम में प्रतिस्पर्धित के रूप में दिखाई दी। इसके बाद जय बोलो गंगा के मुख्य भूमिका निभाई, जिसमें 5 नंदिनी पुरस्कार जीते और 2012 में उन्होंने कनाडा फिल्म बचपन के साथ पुलिस के रूप में शुरुआत किया। 2014 के बाद बाबू ने अपनी पहली पसंद भूमिका में पूरी तरह से बदल लिया, जिससे वे दूसरी पारी कहते हैं और बाबू को तब तक एक प्रमुख अभिनेता थे जो अपने करियर के क्रावोग्राफर को बनाए रखते हैं और विरोधी को सहायक भूमिका निभाते हैं और वह एक सफल फैसला करते हैं। इसमें पहली नंदमूरी बालकृष्ण स्टार लेजर द्वारा काम किया गया और समीक्षा के साथ देखा गया, जिसमें बार बार एक विरोधी की भूमिका को उजागर किया और जितेश सारथी द्वारा निर्मित के साथ बताया गया। वहीं प्रदर्शन की गई और प्रशंसा भी किया गया, जहां पर रजनीकांत के साथ नकारात्मक तो भूमिका के साथ 2015 में देखा गया। बताया जाता है कि यह फिल्म काफ़ी बेहतरीन है और काफ़ी अच्छी है। वहीं पर 2018 में रंगस्थल सुकुमार के निर्देशन बाबू और नामांकन गाँव के दमनकारी के साथ भूमिका निभाई, जहाँ पर 2 मिलियन से अधिक कमाई की और रंगस्थल उस वर्ष का सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म था। और इसके साथ ही पता चला कि गुंडाचारी में एक बांग्लादेशी आतंकवादी की भूमिका निभाई, जो एक स्लीपर हिट बन गई। उनकी भूमिका को त्रिवंत श्रीवास द्वारा निर्देशित और अरविंद समिता के वीरा राघव द्वारा तैयार किया गया और 2018 को उनके करियर की बेहतरीन प्रदर्शनों के रूप में जाना जाता है। 2019 में उनके उल्लेखनीय रचना महर्षि थियाईस नरसिम्हा रेड्डी के साथ महत्वपूर्ण भूमिका के लिए देखे गए। बताया जाता है कि यह फिल्म काफ़ी बेहतरीन है और काफ़ी अच्छी है। रामबन 2023 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन थिएटर फिल्म के निर्देशक है, जो श्रीनिवास के
भूपति राजा द्वारा लिखित और कहानी पर किया, जहां पर इसमें गोविंद चंद के डिंपल कबाड़िया, अरोरा और सचिन खेडकर जैसे कलाकारों की टुकड़ी। इसका निर्माण और पीपल मीडिया ट्रैफिक के तहत टीजा विश्व प्रसाद और विवेक कुछ भोटा के साथ देखे गए, जहां पर साउंड ट्रैक और बैकग्राउंड स्कोर की रचना मिक मेजर द्वारा किया गया। समीक्षा की और बात की और यह कहा, हेलो दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ रामबाण फिल्म के बारे में, जो 2023 की भारतीय तमिल भाषा की और तेलुगु भाषा की फिल्म है, जिसे निर्देशक श्री निवास द्वारा और भूपति राजा के निर्देशन में लिखी गई और कहानी पर जोर दिया गया। इसमें गोविंद चंद, डिंपल, हाइस और जगपति बाबू, नायर्स, निवेल्स, किशोर, तिरवंत, अरोरा और सचिन खेड़कर जैसे कलाकारों की टुकड़ी है। इसका निर्माण पीपल मीडिया फैक्ट्री के तहत टीजी विश्वास प्रसाद और विवेक कुची भोटपा ने किया था, जहां पर साउंड ट्रैक और बैकग्राउंड को स्कोर की रचना की और मिक जे मेयर के साथ काम किया। इसके निर्देशक में श्रीनिवास है, वहीं पाठकथा के लेखक भी श्रीनिवास है। वहीं संपादक की बात करें तो मधुसूदन दंपति है, वहाँ कहानी भूपति राजा द्वारा दिया गया। वहीं इसकी उत्पादन टीजी विश्व श्री प्रसाद और विवेक कुचिमभोटा के साथ देखा गया। अभिनेता के रूप में गोविंद चंद, डिंपल, हाईस्ट्रीट और जगपति बाबू है। छायाखान के रूप में वेलिंग और पायलन सीमा है। जहाँ पर बात किया जाता है इसका संपादक की तो प्रवीण मोडी है। वहीं संगीत को मिकी जे मेयर द्वारा दिया गया और इसकी प्रोड्यूसर कंपनी लोक मीडिया फैक्ट्री रखी गई। यह रिलीज की तारीख 5 मई 2023 रखी गई। यह कार्यक्रम समय 140 मिनट रखा गया। यह भारत के तेलुगु भाषा के साथ इसे लॉन्च किया गया। रामबाण को 5 मई 2023 को दुनिया भर में रिलीज कर दिया और आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली। कोलकाता के एक गैंगस्टर विक्की को पता चला कि उसका भाई राजा राम जी के से खतरे में है, जो खादी धोखाधड़ी का कारोबार चलाता है और अपनी प्रेमिका भैरवी के साथ सुलझाने और सुलझाने के बाद उसे मुद्दे को संभालने के साथ उसकी रक्षा करने का फैसला करता है, जिसके बाद काफी ज्यादा मुक्त रूप से इसे देखा जाता है और यह फिल्म 5 मई को रिलीज कर दिया जाता है। रामबाण को आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली। द टाइम्स ऑफ इंडिया के नीतीश न्यायपति ने लिखा कि रामबाण का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें पेशकश करने के लिए कुछ भी नहीं है और यह एक जो पेशकश करता है वह सादा उपजाऊ है, जो 123 तेलुगु में 5 में से 2.5 स्टार दिया गया। और लिखा गया कि रामबाण नियमित व्यावसायिक पोटा बोलर है, जिसमें कोई नया नाप नहीं है। गोविंद चंद का प्रदर्शन पहली 6 माह में कुछ कॉमेडियन दृश्य और एक्शन सीक्वेंस फिल्म में केवल प्लान पोस्टिस के साथ द हिंदू भुवनेश्वर चंद्र ने लिखा और निर्देशन किया, जहां पर श्रीनिवास की पहली व्यावसायिक मनोरंजन पैकेज के करने में के साथ अपने प्रयासों में विफल रही, जहां पर केवल इसकी पेदाचिरी कथनांक की गई, जिसका क्षमा और भटकाने के लिए मामले को कदरन बनाने का इसमें अजीबोगरीब चुटकुटाते हास किए गए। बताया जाता है कि यह फिल्म काफ़ी बेहतरीन है और इसे काफ़ी ज़्यादा दर्शकों ने भी पसंद किया और अच्छा रिस्पॉन्स किया। जहाँ पर देखा जाए तो इसकी समीक्षा की और आगे बढ़ता है और सिनेमा एक्सप्रेस के साथ देखे जाते हैं और 5 में से केरुकुलिक द्वारा 2.5 स्टार लिखा गया, और जबकि फिल्म को पहलू अस्पष्ट रूप से इसके पक्ष में काम करते चाहते हैं वह अस्पष्ट अंतर्राष्ट्रीय स्थानों में शूट किए गए, जहां पर 3 अनमोल रोमांटिक नंबर हो या इसके असंबंध गलत विरोधी रमा बनम भी भारी लड़खड़ाते अपर्याप्त संघर्ष या परिणामों के बिना अपने नायक के ऊपर उठाने के अपने बड़े पैमानों का अनुपात दृष्टिकोण कारण के OTT प्लेट के श्री त्वंस के सदा धूर्ण के साथ काम किया। 5 में से 2 सितारे दिए गए और लिखा गया कि रामबाण थकाव देने वाला व्यावसायिक मनोरंजन फिल्म है, जो शुरू से ही सहनीय है लेकिन मध्यांतर के बाद इज्जत खो देता है, जहां पर गोविंद चंद जरूरतमंद करते हैं लेकिन लेखक और दृश्य प्रभाव करने के लिए बहुत कुछ करती है और जीवन को दो भाइयों के इर्द गिर्द अजमाए और परखे हुए
आंख में बदलना चाहती है, जहां पर फिल्म के कॉम्पिनियन के साथ राम वेंकट और श्रीकर द्वारा लिखा गया राम बांध को एक कई नाटकीय क्षणों के आवश्यकता जी था, जो पात्रों और नाटक की कृतिमन से परे था, जो एक बिंदु पर चरित्र मजाक में तारीफ करता था, वहीं पर समीक्षा की और बात किया और इसको आगे बढ़ाया। जहां पर फिल्म के कंपनियों वेंकटेश द्वारा राम द्वारा लिखे गए और नाटकीय क्षणों को आवश्यक था, जो पात्रों और नाटक के कृति से परे थे और एक बिंदु पर एक चित्रण के मजाक में तारीफ करता कि राजा राम पर घर शूटिंग स्थान करता है और मजाजे तारीफ करता है। जहां पर राम बांध के शूटिंग जितना अच्छा दिखता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि यह वास्तव में शूटिंग का स्थान है, बिल्कुल यह जैसा दिखता है। दृश्य मंच अभिनेता के साथ फ्रेम आबाद करके मुश्किलों का संवाद बोलना पड़ता है, दृश्य के कुर्तुमियों से कृति का प्रस्तुति करता है। बताया जाता है कि इसका अभिनेता की बात करें तो गोविंद चंद है। कहा जाता है कि गोविंद चंद का पूरा नाम टेटो पुड़िक गोविंद चंद है, जिनका जन्म 12 जून 1989 को एक भारतीय अभिनेता के रूप में हुआ, जो प्रमुख रूप से तेलुगु सिनेमाओं में काम करते और एक्शन फिल्मों में अपनी फिल्मों के साथ जाने जाते हैं। और उन्होंने मुख्य अभिनेता थोली वालाई के साथ 2001 के साथ अपनी शुरुआती की और जयम के साथ 2002 और निजम 2003 के वर्षम 2004 जैसी फिल्मों के विरुद्ध के साथ भूमिका के बाद 2004 के अवज्ञन के साथ सफलता मिली। वहीं पर बताया गया कि यह फिल्म काफी बेहतरीन है और इसके उल्लेखनीय कृतियों के एक बात किया गया और इन्होंने बहुत सारे फिल्मों में काम किया। इनकी प्रारंभिक जीवन की बात करें तो गोविंद चंद का जन्म आंध्र प्रदेश के प्रकाश जिले के तिरुवनंतपुरम पास एक गाँव में हुआ था। वह फिल्म निर्माता टी कृष्णन के छोटे बेटे थे और 8 साल के थे तभी पिता की मृत्यु हो गई थी। उन्होंने नी डेस्परोइड द्वारा ओगेन के साथ उनके पिता का स्थापित और रामकृष्ण मिशन स्कूल चेन्नई के स्कूल शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने रूस में मैकेनिक इंजीनियरिंग का अध्ययन किया। उनके बड़े भाई प्रेमचंद्र के मुथैया सुबियान के अधीन एक सहयोगी निदेशक थे और उन्होंने निर्देशन के रूप में काम करना शुरू कर दिया। हालांकि एक कार दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। गोविंद चंद का वक्त रूस में थे और वीजा संबंधित दिक्कतों के चलते उनके अंतिम संस्करण में शामिल नहीं हो सके। उनकी एक छोटी बहन भी है जो दत्तक चिकित्सक है। अपनी इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद उन्होंने अपनी पिता के विरासत को जारी रखने के लिए फिल्मों में अपना करियर बनाने का फैसला किया और 1 साल के लिए डायलॉग मोस्टिडलेसन कोर्स किया, जहाँ पर वह प्रभास भी वामसी रेड्डी और बाद में दो प्रमोद उपपत्ति के करीबी दोस्त हैं, जो यूवी क्रिएट्स के मालिक हैं, जो तेलुगु सिनेमाओं के रूप में प्रोड्यूसर हाउस हैं। गोविंद चंद ने फिल्म को अथोली के वालपुई के साथ मुख्य भूमिका निभाई। उन्होंने अपनी अगली फिल्मों में जय निजाम और वामसम के नकारात्मक भूमिका निभाई, जहां पर जय में उनके प्रदर्शन के प्रति सकारात्मक स्वागत के बाद की गई, जहां पर उन्होंने अपने फिल्म तमिल भाषा और उसी दृश्य के रीमेक के साथ अपने करियर की आर दोहराई। वहीं पर 2004 में अवज्ञक, 2005 के अद्वंत फिल्मों के साथ नायक के रूप में अपनी वापसी की, 2006 में उन्होंने व्यावसायिक रूप से सफलता हासिल किया और राम नाम के साथ देखे गए और उनकी बात की, जहां पर अपने व्यवसायिक को सफल बनाने के बाद राम वंद और व्यावसायिक रूप से असफल रूप से सफल राम का साथ मिला, जहां पर उनकी 2007 में रिलीज ओका नायडू और लक्ष्मय और 2008 की रिलीज ओटी आरी है, जो सौंदर्य के साथ उनको एक बार फिर से खूबसूरत संयम को रिलीज करती है। उनकी रिलीज 2010 के गोविंद मार में हुआ था। उन्होंने वास्तविक जीवन पुलिस वाले दायक नायक से प्रेरित एक मुठभेड़ विशेषज्ञ की भूमिका निभाई थी और देखा था। वहीं पर 2011 में उन्होंने मोगुड और वांटेड में अभिनय किया, लेकिन दो अन्य व्यावसायिक में काम करने के बाद के रूप असफल रही। 2013 में उन्होंने एक्शन एडवेंचर फिल्म सहायस के लिए निर्देशन शुरू किया और चंद्रशेखर रियल्टी के ओक्योंड द्वारा बाद के बाद साथ फिर से काम किया गया, जो
उस समय उनकी सबसे बड़ी व्यावसायिक रूप से सफलता मिल गई और बन गई। 2004 में उन्होंने कोयला में व्यावसायिक रूप से अभिनय किया और उनकी सबसे सफल फिल्म बन गई। 2015 में उन्होंने जिले और कुख्यात में अभिनय किया, जहां पर 2017 के साथ उन्होंने अभिनय किया और गौतम नंदा को ओजिशन, जो व्यावसायिक रूप से असफल रहे। वहीं उनकी अगली फिल्म आराम बुलेट के साथ उसने असली रिलीज के होने के बाद की गई, लेकिन 2021 के साथ अपने काम किया गया और यह नियमित नाटक के बन गई, जिसमें एक और झटका लगा और उन्होंने पथक में एक सतर्क व्यक्ति की भूमिका निभाई, जो 25वीं फिल्म थी। 2019 में चाणक्य के एक जासूसी भूमिका निभाई, जहां पर सितंबर 2021 के संपत नंदिनी द्वारा निर्देशित स्पोर्ट्स एक्शन के सीतामरण को सकारात्मक समीक्षा मिली और बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। फिल्म के सह कलाकारों और तमान्य विवांग के साथ सूर्यवंशी की भूमिका के चावला के साथ उन्होंने एक अन्य फिल्म पक्का करिश्माइक पर काम किया, जो मूर्ति के साथ निर्देशन में किया गया था और मूवी क्रिप्ट द्वारा दो पिक्चर्स द्वारा निर्मित किया गया था। कहा जाता है कि जिसमें नायक की भूमिका के रूप में राशि खन्ना की श्रीनिवास द्वारा निर्देशित और उनकी अगली फिल्म रामनाजी द्वारा 2023 को घोषित किया गया था। और यह फिल्म श्रीनिवास और गोविंद चंद के हैट्रिक संयोजन की वापसी का प्रतीक है, जो गोविंद चंद के 30 फिल्मों के रूप में चिन्हित किया। वहीं पर उनका और पालन पोषण आंध्र प्रदेश के तिरुवनंतपुरम में हुआ था और उन्होंने 2013 के तेलुगु अभिनेता श्रीकांत के भतीजा रेशमा के शादी के साथ इस जोड़ी के दो बेटों के साथ किया था समीक्षा की और बात किया और इन्हें पुरस्कार भी मिला। वहीं पर देखा जाता है कि यह फिल्म काफी बेहतरीन है, जहां पर अपनी भूमिका के साथ देखे गए। वहीं पर डिंपल हायती है, बताया जाता है कि डिंपल हायती जो भारतीय अभिनेत्री है, जो प्रमुख रूप से तेलुगु सिनेमाओं में काम करती। बताया जाता है कि हायती का जन्म आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में हुआ था, जो तमिल पिता और तेलुगु भाषी माँ के घर में हुआ था। उनका पोषण हैदराबाद में हुआ था, पालन पोषण और उनका जन्म डिंपल कबाड़िया के रूप में हुआ था, लेकिन बाद में संघातमक कारणों और अपना अंतिम नाम हायती के साथ एक साथ जोड़ लिया। हायती को 19 साल की उम्र में तेलुगु के फिल्म गल्फ में 2017 में डेब्यू करने का मौका मिल गया और अपने करियर की शुरुआत के बाद हायती ने द्विभाषी फिल्मों देवी टू के साथ 2019 में अभिनय करके पहले एक तेलुगु फिल्म यूरके से अभिनय किया, जहां पर उनकी अगली उपस्थिति थी। फिल्म गोना कोंडा में गणेश 2019 के वरुण तेजा और अरवंत के साथ एक लाइटोम नंबर्स जारी गीत के साथ देखा गया। समीक्षा की और बात किया और आरएस शरद कुमार में देखा जाता है, वहीं पर कहा गया कि यह फिल्म काफी बेहतरीन है, जिसके फिल्म के कोरियोग्राफर को भी पसंद किया गया। वहीं पर अभिनेता के रूप में आखिरकार जगपति बाबू भी नजर आए हैं। जगपति बाबू का पूरा नाम वीरांत चेची जगपति चौधरी है, जिनका जन्म 12 फरवरी 1962 को हुआ, जिन्होंने पेशेवर रूप से जगपति बाबू उच्चारण सहायक जानकारी के नाम से जाना जाता और एक भारतीय अभिनेता है, जो प्रमुख रूप से तेलुगु सिनेमाओं में काम करने के लिए जाने जाते हैं और कुछ तमिल, कनाडा और मलयालम फिल्मों में भी दिखाई देते हैं। 33 साल की उम्र में बाबू ने फिल्म का पुरस्कार जीता और 7 राज्य नंदिनी पुरस्कार प्राप्त किया। वहीं पर बात करें तो इनकी प्रारंभिक जीवन की, तो जगपति बाबू का जन्म 12 फरवरी 1962 को मच्छिलपट्टनम के अनुभवी निर्माता निर्देशक बीबी राजेंद्र प्रसाद के घर हुआ था, जो तेलुगु सिनेमाओं में अपनी पहचान बनाने से पहले उन्हें चेन्नई तमिलनाडु के लायक बनने और लक्ष्मी शादी करने के दो बेटी के साथ देखा गया। बाबू ने तेलुगु सिनेमा सर्वप्रथम 1989 में अपने शुरुआत किया, जो पिता द्वारा निर्मित पीवी मधुसूदन राव पर निर्देशित था। उसी वर्ष उन्होंने एडवोन अभिनय मडून में अभिनय किया और उनके अभिनय के व्यावसायिक सफल रही। 1992 के रिलीज के साथ की गई और फोरेंसिक के साथ काम पर देखा गया, जहां पर 1993 में राम गोपाल वर्मा द्वारा निर्देशित गायक के रूप में अपनी सफलता हासिल की। उन्होंने एस बी कृष्णन रेड्डी द्वारा निर्देशित मावी चूरन में काम किया और अपने भूमिका के लिए 1996 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार जीता। समीक्षा की और 1997 में
सुभाष कासू और पेल्लानी के पंडिर जैसी रणवेट हिल फिल्म देखी गई। वहीं पर 1998 में उन्होंने अवंतपुरम के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता व नंदिनी पुरस्कार जीता। उन्होंने थिएटर के मनोरम में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता और 2003 में उन्होंने गड़बड़ी अथावे को ओकाल के साथ कर दिया। जहां पर बात करते हुए कला प्रदर्शन द्वारा सिनेमा में उनके योगदान के लिए सुनागिया और भूषण पुरस्कार मिला। उनकी पहली तमिल मद्रासी फिल्म है जो 2012 के तमिल एडवोम में प्रतिस्पर्धित के रूप में दिखाई दी। इसके बाद जय बोलो गंगा के मुख्य भूमिका निभाई जिसमें 5 नंदिनी पुरस्कार जीते और 2012 में उन्होंने कनाडा फिल्म बचपन के साथ पुलिस के रूप में शुरुआत किया। 2014 के बाद बाबू ने अपनी पहली पसंद भूमिका में पूरी तरह से बदल लिया जिससे वे दूसरी पारी कहते हैं और बाबू को तब तक एक प्रमुख अभिनेता थे जो अपने करियर के क्रावोग्राफर को बनाए रखते हैं और विरोधी को सहायक भूमिका निभाते हैं और वह एक सफल फैसला करते हैं। इसमें पहली नंदमूरी बालकृष्ण स्टार लेजर द्वारा काम किया गया और समीक्षा के साथ देखा गया जिसमें बार बार एक विरोधी की भूमिका को उजागर किया और जितेश सारथी द्वारा निर्मित के साथ बताया गया। वहीं प्रदर्शन की गई और प्रशंसा भी किया गया जहां पर रजनीकांत के साथ नकारात्मक तो भूमिका के साथ 2015 में देखा गया। बताया जाता है कि यह फिल्म काफ़ी बेहतरीन है और काफ़ी अच्छी है। वहीं पर 2018 में रंगस्थल सुकुमार के निर्देशन बाबू और नामांकन गाँव के दमनकारी के साथ भूमिका निभाई जहाँ पर 2 मिलियन से अधिक कमाई की और रंगस्थल उस वर्ष का सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म था। और इसके साथ ही पता चला कि गुंडाचारी में एक बांग्लादेशी आतंकवादी की भूमिका निभाई जो एक स्लीपर हिट बन गई। उनकी भूमिका को त्रिवंत श्रीवास द्वारा निर्देशित और अरविंद समिता के वीरा राघव द्वारा तैयार किया गया और 2018 को उनके करियर की बेहतरीन प्रदर्शनों के रूप में जाना जाता है। 2019 में उनके उल्लेखनीय रचना महर्षि थियाईस नरसिम्हा रेड्डी के साथ महत्वपूर्ण भूमिका के लिए देखे गए। बताया जाता है कि यह फिल्म काफ़ी बेहतरीन है और काफ़ी अच्छी है। रामबन 2023 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन थिएटर फिल्म के निर्देशक है जो श्रीनिवास के भूपति राजा द्वारा लिखित और कहानी पर किया जहां पर इसमें गोविंद चंद के डिंपल कवाडिया अरोरा और सचिन खेटकर जैसे कलाकारों की टुकड़ी इसका निर्माण और पीपल मीडिया ट्रैफिक के तहत टीजा विश्व प्रसाद और विवेक कुछ भोटा के साथ देखे गए जहां पर साउंडट्रैक और बैकग्राउंड स्कोर की रचना मिक मेजर द्वारा किया गया। समीक्षा की और बात की और यह कहा। हेलो दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ रामबाण फिल्म के बारे में जो 2023 की भारतीय तमिल भाषा की और तेलुगु भाषा की फिल्म है जिसे निर्देशक श्री निवास द्वारा और भूपति राजा के निर्देशन में लिखी गई और कहानी पर जोर दिया गया। इसमें गोविंद चंद, डिंपल, हाइस और जगपति बाबू नायर्स, निवेल्स किशोर, तिरवंत अरोरा और सचिन खेड़कर जैसे कलाकारों की टुकड़ी है। इसका निर्माण पीपल मीडिया फैक्ट्री के तहत टीजी विश्वास प्रसाद और विवेक कुची भोटपा ने किया था जहां पर साउंडट्रैक और बैकग्राउंड को स्कोर की रचना की और मिक जे मेयर के साथ काम किया। इसके निर्देशक में श्रीनिवास है। वहीं पाठकथा के लेखक भी श्रीनिवास है। वहीं संपादक की बात करें तो मधुसूदन दंपति है। वहाँ कहानी भूपति राजा द्वारा दिया गया। वहीं इसकी उत्पादन टीजी विश्व श्री प्रसाद और विवेक कुचिम भोटा के साथ देखा गया। अभिनेता के रूप में गोविंद चंद, डिंपल, हाईस्ट्रीट और जगपति बाबू है। छाया खान के रूप में वेलिंग और पायलन सीमा है। जहाँ पर बात किया जाता है इसका संपादक की तो प्रवीण मोडी है। वहीं संगीत को मिकी जे मेयर द्वारा दिया गया और इसकी प्रोड्यूसर कंपनी लोक मीडिया फैक्ट्री रखी गई। यह रिलीज की तारीख 5 मई 2023 रखी गई। यह कार्यक्रम समय 140 मिनट रखा गया। यह भारत के तेलुगु भाषा के साथ इसे लॉन्च किया गया। रामबाण को 5 मई 2023 को दुनिया भर में रिलीज कर दिया और आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली। कोलकाता के एक गैंगस्टर विक्की को पता चला कि उसका भाई राजा राम जी के से खतरे में है जो खादी धोखा
धोखाधड़ी का कारोबार चलाता है और अपनी प्रेमिका भैरवी के साथ सुलझाने और सुलझाने के बाद उसे मुद्दे को संभालने के साथ उसकी रक्षा करने का फैसला करता है, जिसके बाद काफी ज्यादा मुक्त रूप से इसे देखा जाता है और यह फिल्म 5 मई को रिलीज कर दिया जाता है। राम बांध को आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली। द टाइम्स ऑफ इंडिया के नीतीश न्यायपति ने लिखा कि राम बांध का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें पेशकश करने के लिए कुछ भी नहीं है और यह एक जो पेशकश करता है वह सादा उपजाऊ है, जो 123 तेलुगु में 5 में से 2.5 स्टार दिया गया और लिखा गया कि रामबान नियमित व्यवसायिक पोटा बोलर है जिसमें कोई नया नाप नहीं है। गोविंद चंद का प्रदर्शन पहली 6 मई में कुछ कॉमेडियन दृश्य और एक्शन सीक्वेंस फिल्म में केवल प्लान पोस्टिस के साथ द हिंदू भुवनेश्वर चंद्र ने लिखा और निर्देशन किया, जहां पर श्रीनिवास की पहली व्यावसायिक मनोरंजन पैकेज के करने में के साथ अपने प्रयासों में विफल रही, जहां पर केवल इसकी पेदाचिरी कथनांक की गई, जिसका क्षमा और भटकाने के लिए मामले को कदरन बनाने का इसमें अजीबोगरीब चुटकुटाते हास किए गए। बताया जाता है कि यह फिल्म काफ़ी बेहतरीन है और इसे काफ़ी ज़्यादा दर्शकों ने भी पसंद किया और अच्छा रिस्पॉन्स किया। जहाँ पर देखा जाए तो इसकी समीक्षा की ओर आगे बढ़ता है और सिनेमा एक्सप्रेस के साथ देखे जाते हैं और 5 में से केरुकुलिक द्वारा 2.5 स्टार लिखा गया और जबकि फिल्म को पहलू अस्पष्ट रूप से इसके पक्ष में काम करते चाहते हैं वह अस्पष्ट अंतर्राष्ट्रीय स्थानों में शूट किए गए, जहां पर 3 अनमोल रोमांटिक नंबर हो या इसके असंबंध गलत विरोधी रमा बनम भी भारी लड़खड़ाते अपर्याप्त संघर्ष या परिणामों के बिना अपने नायक के ऊपर उठाने के अपने बड़े पैमानों का अनुपात दृष्टिकोण कारण के OTT प्लेट के श्रीतवंश के सदा धूर्ण के साथ काम किया। 5 में से 2 सितारे दिए गए और लिखा गया कि रामबान थकाव देने वाला व्यावसायिक मनोरंजन फिल्म है जो शुरू से ही सहनीय है लेकिन मध्यांतर के बाद इज्जत खो देता है, जहां पर गोविंद चंद जरूरतमंद करते हैं लेकिन लेखक और दृश्य प्रभाव करने के लिए बहुत कुछ करती है और जीवन को 2 भाइयों के इर्द गिर्द अजमाए और परखे हुए खाक में बदलना चाहती है। जहां पर फिल्म के कॉम्पिनियन के साथ राम वेंकट और श्रीकर द्वारा लिखा गया, राम बांध को एक कई नाटकीय क्षणों के आवश्यकता जी था जो पात्रों और नाटक की कृतिमन से परे था, जो एक बिंदु पर चरित्र मजाक में तारीफ करता था वहीं पर समीक्षा की और बात किया और इसको आगे बढ़ाया। जहां पर फिल्म के कंपनियों वेंकटेश द्वारा राम द्वारा लिखे गए और नाटकीय क्षणों को आवश्यक था जो पात्रों और नाटक के कृतिन से परे थे और एक बिंदु पर एक चित्रण के मजाक में तारीफ करता कि राजा राम पर घर शूटिंग स्थान करता है और मजाजे तारीफ करता है, जहां पर राम बांध के शूटिंग जितना अच्छा दिखता है ऐसा इसलिए है क्योंकि यह वास्तव में शूटिंग का स्थान है, बिल्कुल यह जैसा दिखता है। दृश्य मंच अभिनेता के साथ फ्रेम आबाद करके मुश्किलों का संवाद बोलना पड़ता है, दृश्य के कुर्तमियों से कृति का प्रस्तुति करता है। बताया जाता है कि इसका अभिनेता की बात करें तो गोविंद चंद है। कहा जाता है कि गोविंद चंद का पूरा नाम टेटो पुरिक गोविंद चंद है, जिनका जन्म 12 जून 1989 को एक भारतीय अभिनेता के रूप में हुआ जो प्रमुख रूप से तेलुगु सिनेमाओं में काम करता और एक्शन फिल्मों में अपनी फिल्मों के साथ जाने जाते और उन्होंने मुख्य अभिनेता थोली वलाई के साथ 2001 के साथ अपनी शुरुआती की और जयम के साथ 2002 और निजम 2003 के वर्षम 2004 जैसी फिल्मों के विरुद्ध के साथ भूमिका के बाद 2004 के अवज्ञन के साथ सफलता मिली। वहीं पर बताया गया कि यह फिल्म काफ़ी बेहतरीन है और इसके उल्लेखनीय कृतियों के यह बात किया गया और इन्होंने बहुत सारे फिल्मों में काम किया। इनकी प्रारंभिक जीवन की बात करें तो गोविंद चंद का जन्म आंध्र प्रदेश के प्रकाश जिले के तिरुवंतरम पास एक गाँव में हुआ था। वह फिल्म निर्माता टी कृष्णन के छोटे बेटे थे और 8 साल के थे तभी पिता की मृत्यु हो गई थी। उन्होंने नी डेस्परोइड द्वारा उगेन के साथ उनके पिता का स्थापित और रामकृष्ण मिशन स्कूल चेन्नई के स्कूल शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने रूस
में मैकेनिक इंजीनियरिंग का अध्ययन किया। उनके बड़े भाई प्रेमचंद्र के मुथैया सुबियान के अधीन एक सहयोगी निदेशक थे और उन्होंने निर्देशन के रूप में काम करना शुरू कर दिया। हालांकि एक कार दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। गोविंदचंद का वक्त रूस में थे और वीजा संबंधित दिक्कतों के चलते उनके अंतिम संस्करण में शामिल नहीं हो सके। उनकी एक छोटी बहन भी है जो दत्तक चिकित्सक है। अपनी इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद उन्होंने अपनी पिता के विरासत को जारी रखने के लिए फिल्मों में अपना करियर बनाने का फैसला किया और एक साल के लिए डायलॉग मोस्टिडलेसन कोर्स किया, जहाँ पर वह प्रभास भी वामसी रेड्डी और बाद में दो प्रमोद उपपत्ति के करीबी दोस्त हैं जो यूवी क्रिएट्स के मालिक हैं, जो तेलुगु सिनेमाओं के रूप में प्रोड्यूसर हाउस हैं। गोविंद चंद ने फिल्म को अथोली के वलप्पुई के साथ मुख्य भूमिका निभाई। उन्होंने अपनी अगली फिल्मों में जय निजाम और वामसम के नकारात्मक भूमिका निभाई, जहां पर जय में उनके प्रदर्शन के प्रति सकारात्मक स्वागत के बाद की गई, जहां पर उन्होंने अपने फिल्म तमिल भाषा और उसी दृश्य के रीमेक के साथ अपने करियर की आर दोहराई। वहीं पर 2004 में अवज्ञक, 2005 के अद्वंत फिल्मों के साथ नायक के रूप में अपनी वापसी की। 2006 में उन्होंने व्यावसायिक रूप से सफलता हासिल किया और राम नाम के साथ देखे गए और उनकी बात की, जहां पर अपने व्यवसायिक को सफल बनाने के बाद रामवंत और व्यावसायिक रूप से असफल रूप से सफल राम का साथ मिला, जहां पर उनकी 2007 में रिलीज ओका नायडू और लक्ष्मय और 2008 की रिलीज ओटी आरी है, जो सौंदर्य के साथ उनको एक बार फिर से खूबसूरत संयम को रिलीज करती है। उनकी रिलीज 2010 के गोविंद मार में हुआ था। उन्होंने वास्तविक जीवन पुलिस वाले दायक नायक से प्रेरित एक मुठभेड़ विशेषज्ञ की भूमिका निभाई थी और देखा था। वहीं पर 2011 में उन्होंने मोगुड और वांटेड में अभिनय किया, लेकिन दो अन्य व्यावसायिक में काम करने के बाद के रूप असफल रही। 2013 में उन्होंने एक्शन एडवेंचर फिल्म सहायस के लिए निर्देशन शुरू किया और चंद्रशेखर रियल्टी के ओक्योंड द्वारा बाद के बाद साथ फिर से काम किया गया, जो उस समय उनकी सबसे बड़ी व्यावसायिक रूप से सफलता मिल गई और बन गई। 2004 में उन्होंने कोयला में व्यावसायिक रूप से अभिनय किया और उनकी सबसे सफल फिल्म बन गई। 2015 में उन्होंने जिले और कुख्यात में अभिनय किया, जहां पर 2017 के साथ उन्होंने अभिनय किया और गौतम नंदा को ओजीशन, जो व्यावसायिक रूप से असफल रहे। वहीं उनकी अगली फिल्म आराम बुलेट के साथ उसने असली रिलीज के होने के बाद की गई, लेकिन 2021 के साथ अपने काम किया गया और यह नियमित नाटक के बन गई, जिसमें एक और झटका लगा और उन्होंने पथक में एक सतर्क व्यक्ति की भूमिका निभाई, जो 25वीं फिल्म थी। 2019 में चाणक्य के एक जासूसी भूमिका निभाई, जहां पर सितंबर 2021 के संपत नंदनी द्वारा निर्देशित स्पोर्ट्स एक्शन के सीतामरण को सकारात्मक समीक्षा मिली और बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। फिल्म के सह कलाकारों और तमन्ना विवांग के साथ सूर्यवंशी की भूमिका के चावला के साथ उन्होंने एक अन्य फिल्म पक्का करिश्माइक पर काम किया, जो मूर्ति के साथ निर्देशन में किया गया था और मूवी क्रिप्ट द्वारा दो पिक्चर्स द्वारा निर्मित किया गया था। कहा जाता है कि जिसमें नायक की भूमिका के रूप में राशि खन्ना की श्रीनिवास द्वारा निर्देशित और उनकी अगली फिल्म रामनजीक द्वारा 2023 को घोषित किया गया था और यह फिल्म श्रीनिवास और गोविंद चंद के हैट्रिक संयोजन की वापसी का प्रतीक है, जो गोविंद चंद के 30 फिल्मों के रूप में चिन्हित किया। वहीं पर उनका और पालन पोषण आंध्र प्रदेश के तिरुवनंतपुरम में हुआ था और उन्होंने 2013 के तेलुगु अभिनेता श्रीकांत के भतीजा रेशमा के शादी के साथ इस जोड़ी के दो बेटों के साथ किया था समीक्षा की और बात किया और इन्हें पुरस्कार भी मिला। वहीं पर देखा जाता है कि यह फिल्म काफी बेहतरीन है, जहां पर अपनी भूमिका के साथ देखे गए। वहीं पर डिंपल हायती है, बताया जाता है कि डिंपल हायती जो भारतीय अभिनेत्री है, जो
प्रमुख रूप से तेलुगु सिनेमाओं में काम करती। बताया जाता है कि हाइती का जन्म आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में हुआ था, जो तमिल पिता और तेलुगु भाषी माँ के घर में हुआ था। उनका पोषण हैदराबाद में हुआ था, पालन पोषण और उनका जन्म डिंपल कबाडिया के रूप में हुआ था, लेकिन बाद में संघात्मक कारणों और अपना अंतिम नाम हाइती के साथ एक साथ जोड़ लिया। हाइती को 19 साल की उम्र में तेलुगु के फिल्म गल्फ में 2017 में डेब्यू करने का मौका मिल गया और अपने करियर की शुरुआत के बाद हाइती ने द्विभाषी फिल्मों देवी टू के साथ 2019 में अभिनय करके पहले एक तेलुगु फिल्म यूरके से अभिनय किया, जहां पर उनकी अगली उपस्थिति थी। फिल्म गोना कोंडा में गणेश 2019 के वरुण तेजा और अरवंत के साथ एक लाइटोम नंबर्स जारी गीत के साथ देखा गया। समीक्षा की और बात किया और आरएस शरद कुमार में देखा जाता है, वहीं पर कहा गया कि यह फिल्म काफ़ी बेहतरीन है, जिसके फिल्म के कोरियोग्राफर को भी पसंद किया गया। वहीं पर अभिनेता के रूप में आखिरकार जगपति बाबू भी नजर आए हैं। जगपति बाबू का पूरा नाम वीरांत चेची जगपति चौधरी है, जिनका जन्म 12 फरवरी 1962 को हुआ, जिन्होंने पेशेवर रूप से जगपति बाबू उच्चारण सहायक जानकारी के नाम से जाना जाता है। एक भारतीय अभिनेता है जो प्रमुख रूप से तेलुगु सिनेमाओं में काम करने के लिए जाने जाते हैं और कुछ तमिल कन्नाडा और मलयालम फिल्मों में भी दिखाई देते हैं। 33 साल की उम्र में बाबू ने फिल्म का पुरस्कार जीता और 7 राजीव नंदिनी पुरस्कार प्राप्त किया। वहीं पर बात करें तो इनकी प्रारंभिक जीवन की, तो जगपति बाबू का जन्म 12 फरवरी 1962 को मछिलपट्टनम के अनुभवी निर्माता निर्देशक बीबी राजेंद्र प्रसाद के घर हुआ था, जो तेलुगु सिनेमाओं में अपनी पहचान बनाने से पहले उन्हें चेन्नई तमिलनाडु के लायक बनने और लक्ष्मी शादी करने के दो बेटी के साथ देखा गया। बाबू ने तेलुगु सिनेमा सर्वप्रथम 1989 में अपने शुरुआत किया, जो पिता द्वारा निर्मित पीबी मधुसूदन राव पर निर्देशित था। उसी वर्ष उन्होंने एडवोन अभिनय मडून में अभिनय किया और उनके अभिनय के व्यावसायिक सफल रही। 1992 के रिलीज के साथ की गई और पोरांती के साथ काम पर देखा गया, जहां पर 1993 में राम गोपाल वर्मा द्वारा निर्देशित गायक के रूप में अपनी सफलता हासिल की। उन्होंने एस बी कृष्णन रेड्डी द्वारा निर्देशित मावी चूरन में काम किया और अपने भूमिका के लिए 1996 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार जीता। समीक्षा की और 1997 में सुहास कासु और पेल्लानी के पंडिर जैसी रनवेट हिल फिल्म देखी गई। वहीं पर 1998 में उन्होंने अवंतपुरम के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और नंदिनी पुरस्कार जीता। उन्होंने थिएटर के मनोहरम में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता और 2003 में उन्होंने गड़बड़ी अथावे ओकाल्स के साथ कर दिया, जहां पर बात करते हुए कला परिषद द्वारा सिनेमा में उनके योगदान के लिए चुना गया और भूषण पुरस्कार मिला। उनकी पहली तमिल मद्रासी फिल्म है, जो 2012 के तमिल एडवोम में प्रतिस्पर्धित के रूप में दिखाई दी। इसके बाद जय बोलो गंगा के मुख्य भूमिका निभाई, जिसमें 5 नंदिनी पुरस्कार जीते और 2012 में उन्होंने कनाडा फिल्म बचपन के साथ पुलिस के रूप में शुरुआत किया। 2014 के बाद बाबू ने अपनी पहली पसंद भूमिका में पूरी तरह से बदल लिया, जिससे वे दूसरी पारी कहते हैं। और बाबू को तब तक एक प्रमुख अभिनेता थे जो अपने करियर के क्रावोग्राफर को बनाए रखते हैं और विरोधी को सहायक भूमिका निभाते हैं और वह एक सफल फैसला करते हैं। इसमें पहली नंदमूरी बालकृष्ण स्टार लेजर द्वारा काम किया गया और समीक्षा के साथ देखा गया, जिसमें बार बार एक विरोधी की भूमिका को उजागर किया और जितेश सारथी द्वारा निर्मित के साथ बताया गया। वहीं प्रदर्शन की गई और प्रशंसा भी किया गया, जहां पर रजनीकांत के साथ नकारात्मक तो भूमिका के साथ 2015 में देखा गया। बताया जाता है कि यह फिल्म काफ़ी बेहतरीन है और काफ़ी अच्छी है। वहीं पर 2018 में रंगस्थल सुकुमार के निर्देशन बाबू और नामांकन गाँव के दमनकारी के साथ भूमिका निभाई, जहाँ पर 2 मिलियन से अधिक कमाई की और रंगस्थल उस वर्ष का सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म था। और इसके साथ ही पता चला कि गुंडाचारी में एक बांग्लादेशी आतंकवादी की भूमिका निभाई, जो एक स्लीपर हिट बन गई। उनकी भूमिका को त्रिवंत श्रीवास द्वारा निर्देशित और अरविंद समिता के वीरा राघव द्वारा
तैयार किया गया और 2018 को उनके करियर की बेहतरीन प्रदर्शनों के रूप में जाना जाता है। 2019 में उनके उल्लेखनीय रचना महर्षि थियाईस नरसिम्हा रेड्डी के साथ महत्वपूर्ण भूमिका के लिए देखे गए। बताया जाता है कि यह फिल्म काफी बेहतरीन है और काफी अच्छी है। रामबन 2023 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन थिएटर फिल्म के निर्देशक है, जो श्रीनिवास के भूपति राजा द्वारा लिखित और कहानी पर किया, जहां पर इसमें गोविंद चंद के डिंपल कबाडिया, अरोरा और सचिन खेडकर जैसे कलाकारों की टुकड़ी इसका निर्माण और पीपल मीडिया ट्रैफिक के तहत टीजा विश्व प्रसाद और विवेक कुछ भोटा के साथ देखे गए, जहां पर साउंड ट्रैक और बैकग्राउंड स्कोर की रचना मिक मेजर द्वारा किया गया। समीक्षा की और बात की और यह कहा, हेलो दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ रामबाण फिल्म के बारे में, जो 2023 की भारतीय तमिल भाषा की और तेलुगु भाषा की फिल्म है, जिसे निर्देशक श्री निवास द्वारा और भूपति राजा के निर्देशन में लिखी गई और कहानी पर जोर दिया गया। इसमें गोविंद चंद, डिंपल, हाइस और जगपति बाबू, नायर्स, निवेल्स, किशोर तिरवंत, अरोरा और सचिन खेड़कर जैसे कलाकारों की टुकड़ी है। इसका निर्माण पीपल मीडिया फैक्ट्री के तहत टीजी विश्वास प्रसाद और विवेक कुची भोटपा ने किया था, जहां पर साउंड ट्रैक और बैकग्राउंड को स्कोर की रचना की और मिक जे मेयर के साथ काम किया। इसके निर्देशक में श्रीनिवास है, वहीं पाठकथा के लेखक भी श्रीनिवास है। वहीं संपादक की बात करें तो मधुसूदन दंपति है, वहाँ कहानी भूपति राजा द्वारा दिया गया। वहीं इसकी उत्पादन टीजी विश्व श्री प्रसाद और विवेक कुचिमभोटा के साथ देखा गया। अभिनेता के रूप में गोविंद चंद, डिंपल, हाईस्ट्रीट और जगपति बाबू है। छायाखान के रूप में वेलिंग और पायलन सीमा है। जहाँ पर बात किया जाता है इसका संपादक की तो प्रवीण मोडी है। वहीं संगीत को मिकी जे मेयर द्वारा दिया गया और इसकी प्रोड्यूसर कंपनी लोग मीडिया फैक्ट्री रखी गई। यह रिलीज की तारीख 5 मई 2023 रखी गई। यह कार्यक्रम समय 140 मिनट रखा गया। यह भारत के तेलुगु भाषा के साथ इसे लॉन्च किया गया। रामबाण को 5 मई 2023 को दुनिया भर में रिलीज कर दिया और आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली। कोलकाता के एक गैंगस्टर विक्की को पता चला कि उसका भाई राजा राम जी के से खतरे में है, जो खादी धोखाधड़ी का कारोबार चलाता है और अपनी प्रेमिका भैरवी के साथ सुलझाने और सुलझाने के बाद उसे मुद्दे को संभालने के साथ उसकी रक्षा करने का फैसला करता है, जिसके बाद काफी ज्यादा मुक्त रूप से इसे देखा जाता है और यह फिल्म 5 मई को रिलीज कर दिया जाता है। रामबाण को आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली। द टाइम्स ऑफ इंडिया के नीतीश न्यायपति ने लिखा कि रामबाण का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें पेशकश करने के लिए कुछ भी नहीं है और यह एक जोश पेशकश करता है वह सादा उपजाऊ है, जो 123 तेलुगु में 5 में से 2.5 स्टार दिया गया और लिखा गया कि रामबाण नियमित व्यावसायिक पोटा बोलर है, जिसमें कोई नया नाप नहीं है। गोविंद चंद का प्रदर्शन पहली 6 माह में कुछ कॉमेडियन दृश्य और एक्शन सीक्वेंस फिल्म में केवल प्लान पोस्टिस के साथ द हिंदू भुवनेश्वर चंद्र ने लिखा और निर्देशन किया, जहां पर श्रीनिवास की पहली व्यावसायिक मनोरंजन पैकेज के करने में के साथ अपने प्रयासों में विफल रही, जहां पर केवल इसकी पेदाचिरी कथनांक की गई, जिसका क्षमा और भटकाने के लिए मामले को कदरन बनाने का इसमें अजीबोगरीब चुटकुटाते हास किए गए। बताया जाता है कि यह फिल्म काफ़ी बेहतरीन है और इसे काफ़ी ज़्यादा दर्शकों ने भी पसंद किया और अच्छा रिस्पॉन्स किया। जहाँ पर देखा जाए तो इसकी समीक्षा की और आगे बढ़ता है और सिनेमा एक्सप्रेस के साथ देखे जाते हैं और 5 में से केरुकुलिक द्वारा 2.5 स्टार लिखा गया, और जबकि फिल्म को पहलू अस्पष्ट रूप से इसके पक्ष में काम करते चाहते हैं वह अस्पष्ट अंतर्राष्ट्रीय स्थानों में शूट किए गए, जहां पर 3 अनमोल रोमांटिक नंबर हो या इसके असंबंध गलत विरोधी रमा बनम भी भारी लड़खड़ाते अपर्याप्त संघर्ष या परिणामों के बिना अपने नायक के ऊपर उठाने के अपने बड़े पैमानों का अनुपात
दृष्टिकोण कारण के OT2 प्लेट के श्रीतवंश के सदाधूर्ण के साथ काम किया। 5 में से 2 सितारे दिए गए और लिखा गया कि रामबाण थकाव देने वाला व्यावसायिक मनोरंजन फिल्म है जो शुरू से ही सराहनीय है लेकिन मध्यांतर के बाद इज्जत खो देता है, जहां पर गोविंद चंद जरूरतमंद करते हैं लेकिन लेखक और दृश्य प्रभाव करने के लिए बहुत कुछ करती है और जीवन को 2 भाइयों के इर्द गिर्द अजमाए और परखे हुए खाक में बदलना चाहती है, जहां पर फिल्म के कॉम्पिनियन के साथ राम वेंकट और श्रीकर द्वारा लिखा गया और रामबांध को एक कई नाटकीय क्षणों के आवश्यकता जी था जो पात्रों और नाटक की कृतिमन से परे था, जो एक बिंदु पर चरित्र मजाक में तारीफ करता था वहीं पर समीक्षा की और बात किया और इसको आगे बढ़ाया, जहां पर फिल्म के कंपनियों वेंकटेश द्वारा राम द्वारा लिखे गए और नाटकीय क्षणों को आवश्यक था जो पात्रों और नाटक के कृतिन से परे थे और एक बिंदु पर एक चित्रण के मजाक में तारीफ करता कि राजा राम पर घर शूटिंग स्थान करता है और मोयाजाजे तारीफ करता है, जहां पर राम बांध के शूटिंग जितना अच्छा दिखता है ऐसा इसलिए है क्योंकि यह वास्तव में शूटिंग का स्थान है, बिल्कुल यह जैसा दिखता है दृश्य मंच अभिनेता के साथ फ्रेम आबाद करके मुश्किलों का संवाद बोलना पड़ता है, दृश्य के कुर्तमियों से कृति का प्रस्तुति करता है। बताया जाता है कि इसका अभिनेता की बात करें तो गोविंद चंद है, कहा जाता है कि गोविंद चंद का पूरा नाम टेटो पुरिक गोविंद चंद है जिनका जन्म 12 जून 1989 को एक भारतीय अभिनेता के रूप में हुआ जो प्रमुख रूप से तेलुगु सिनेमाओं में काम करते और एक्शन फिल्मों में अपनी फिल्मों के साथ जाने जाते और उन्होंने मुख्य अभिनेता थोली वालाई के साथ 2001 के साथ अपनी शुरुआती की और जयम के साथ 2002 और निजम 2003 के वर्षम 2004 जैसी फिल्मों के विरुद्ध के साथ भूमिका के बाद 2004 के अवज्ञन के साथ सफलता मिली। वहीं पर बताया गया कि यह फिल्म काफी बेहतरीन है और इसके उल्लेखनीय कृतियों के एक बात किया गया और इन्होंने बहुत सारे फिल्मों में काम किया। इनकी प्रारंभिक जीवन की बात करें तो गोविंद चंद का जन्म आंध्र प्रदेश के प्रकाश जिले के तिरुवनंतपुरम पास एक गाँव में हुआ था। वह फिल्म निर्माता टी कृष्णन के छोटे बेटे थे और 8 साल के थे तभी पिता की मृत्यु हो गई थी। उन्होंने नी डेस्परोइड द्वारा उगेन के साथ उनके पिता का स्थापित और रामकृष्ण मिशन स्कूल चेन्नई के स्कूल शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने रूस में मैकेनिक इंजीनियरिंग का अध्ययन किया। उनके बड़े भाई प्रेमचंद्र के मुथैया सुबियान के अधीन एक सहयोगी निदेशक थे और उन्होंने निर्देशन के रूप में काम करना शुरू कर दिया। हालांकि एक कार दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। गोविंद चंद का वक्त रूस में थे और वीजा संबंधित दिक्कतों के चलते उनके अंतिम संस्करण में शामिल नहीं हो सके। उनकी एक छोटी बहन भी है जो दत्तक चिकित्सक है। अपनी इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद उन्होंने अपनी पिता के विरासत को जारी रखने के लिए फिल्मों में अपना करियर बनाने का फैसला किया और 1 साल के लिए डायलॉग मोस्टिडलेसन कोर्स किया, जहाँ पर वह प्रभास भी वामसी रेड्डी और बाद में 2 प्रमोद उपपत्ति के करीबी दोस्त हैं जो यूवी क्रिएट्स के मालिक हैं जो तेलुगु सिनेमाओं के रूप में प्रोड्यूसर हाउस हैं। गोविंद चंद ने फिल्म को अथोली के वालप्पुई के साथ मुख्य भूमिका निभाई। उन्होंने अपनी अगली फिल्मों में जय निजाम और वामसम के नकारात्मक भूमिका निभाई, जहां पर जय में उनके प्रदर्शन के प्रति सकारात्मक स्वागत के बाद की गई, जहां पर उन्होंने अपने फिल्म तमिल भाषा और उसी दृश्य के रीमेक के साथ अपने करियर की आर दोहराई। वहीं पर 2004 में अवज्ञक 2005 के अद्वंत फिल्मों के साथ नायक के रूप में अपनी वापसी की। 2006 में उन्होंने व्यावसायिक रूप से सफलता हासिल किया और राम नाम के साथ देखे गए और उनकी बात की, जहां पर अपने व्यवसायिक को सफल बनाने के बाद रामवंत और व्यावसायिक रूप से सफल राम का साथ मिला, जहां पर उनकी 2007 में रिलीज ओका नायडू और लक्ष्मय और 2008 की रिलीज ओटी आरी है जो सौंदर्य के साथ उनको एक बार फिर से खूबसूरत संयम को रिलीज करती है। उनकी रिलीज 2010 के गोविंद मार में हुआ था। उन्होंने वास्तविक
यूएन पुलिस वाले दायक नायक से प्रेरित एक मुठभेड़ विशेषज्ञ की भूमिका निभाई थी और देखा था। वहीं पर 2011 में उन्होंने मोगुड और वांटेड में अभिनय किया, लेकिन दो अन्य व्यावसायिक में काम करने के बाद के रूप असफल रही। 2013 में उन्होंने एक्शन एडवेंचर फिल्म सहायस के लिए निर्देशन शुरू किया और चंद्रशेखर रियल्टी के ओक्योंड द्वारा बाद के बाद साथ फिर से काम किया गया, जो उस समय उनकी सबसे बड़ी व्यावसायिक रूप से सफलता मिल गई और बन गई। 2004 में उन्होंने कोयला में व्यावसायिक रूप से अभिनय किया और उनकी सबसे सफल फिल्म बन गई। 2015 में उन्होंने जिले और कुख्यात में अभिनय किया, जहां पर 2017 के साथ उन्होंने अभिनय किया और गौतम नंदा को ओजिशन, जो व्यावसायिक रूप से असफल रहे। वहीं उनकी अगली फिल्म आराम बुलेट के साथ उसने असली रिलीज के होने के बाद की गई, लेकिन 2021 के साथ अपने काम किया गया और यह नियमित नाटक के बन गई, जिसमें एक और झटका लगा और उन्होंने पथक में एक सतर्क व्यक्ति की भूमिका निभाई, जो 25वीं फिल्म थी। 2019 में चाणक्य के एक जासूसी भूमिका निभाई, जहां पर सितंबर 2021 के संपत नंदनी द्वारा निर्देशित स्पोर्ट्स एक्शन के सीतामरण को सकारात्मक समीक्षा मिली और बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। फिल्म के सह कलाकारों और सामान्य विवाह के साथ सूर्यवंशी की भूमिका के चावला के साथ उन्होंने एक अन्य फिल्म पक्का करिश्माइक पर काम किया, जो मूर्ति के साथ निर्देशन में किया गया था और मूवी क्रिप्ट द्वारा दो पिक्चर्स द्वारा निर्मित किया गया था। कहा जाता है कि जिसमें नायक की भूमिका के रूप में राशि खन्ना की श्रीनिवास द्वारा निर्देशित और उनकी अगली फिल्म रामनाजी द्वारा 2023 को घोषित किया गया था और यह फिल्म श्रीनिवास और गोविंद चंद के हैट्रिक संयोजन की वापसी का प्रतीक है, जो गोविंद चंद के 30 फिल्मों के रूप में चिन्हित किया। वहीं पर उनका और पालन पोषण आंध्र प्रदेश के तिरुवनंतपुरम में हुआ था और उन्होंने 2013 के तेलुगु अभिनेता श्रीकांत के भतीजा रेशमा के शादी के साथ इस जोड़ी के दो बेटों के साथ किया था समीक्षा की और बात किया और इन्हें पुरस्कार भी मिला। वहीं पर देखा जाता है कि यह फिल्म काफ़ी बेहतरीन है, जहां पर अपनी भूमिका के साथ देखे गए। वहीं पर डिम्पल हायती है, बताया जाता है कि डिम्पल हायती जो भारतीय अभिनेत्री है, जो प्रमुख रूप से तेलुगु सिनेमाओं में काम करती। बताया जाता है कि हायती का जन्म आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में हुआ था, जो तमिल पिता और तेलुगु भाषी माँ के घर में हुआ था। उनका पोषण हैदराबाद में हुआ था, पालन पोषण और उनका जन्म डिम्पल कबाड़िया के रूप में हुआ था, लेकिन बाद में संख्यात्मक कारणों और अपना अंतिम नाम हायती के साथ एक साथ जोड़ लिया। हायती को 19 साल की उम्र में तेलुगु के फिल्म गल्फ में 2017 में डेब्यू करने का मौका मिल गया और अपने करियर की शुरुआत के बाद हायती ने द्विभाषी फिल्मों देवी टू के साथ 2019 में अभिनय करके पहले एक तेलुगु फिल्म यूरके से अभिनय किया, जहां पर उनकी अगली उपस्थिति थी। फिल्म गोना कोंडा में गणेश 2019 के वरुण तेजा और अरवंत के साथ एक लाइटोम नंबर्स जारी गीत के साथ देखा गया। समीक्षा की और बात किया और आरएस शरद कुमार में देखा जाता है। वहीं पर कहा गया कि यह फिल्म काफ़ी बेहतरीन है, जिसके फिल्म के कोरियोग्राफर को भी पसंद किया गया। वहीं पर अभिनेता के रूप में आखिरकार जगपति बाबू भी नजर आए हैं। जगपति बाबू का पूरा नाम वीरांत चेची जगपति चौधरी है, जिनका जन्म 12 फरवरी 1962 को हुआ, जिन्होंने पेशेवर रूप से जगपति बाबू उच्चारण सहायक जानकारी के नाम से जाना जाता और एक भारतीय अभिनेता है, जो प्रमुख रूप से तेलुगु सिनेमाओं में काम करने के लिए जाने जाते हैं और कुछ तमिल कन्नाडा और मलयालम फिल्मों में भी दिखाई देते हैं। 33 साल की उम्र में बाबू ने फिल्म का पुरस्कार जीता और 7 राज्य नंदनी पुरस्कार प्राप्त किया। वहीं पर बात करें तो इनकी प्रारंभिक जीवन की, तो जगपति बाबू का जन्म 12 फरवरी 1962 को मच्छिलपट्टनम के अनुभवी निर्माता निर्देशक बीबी राजेंद्र प्रसाद के घर हुआ था, जो तेलुगु सिनेमाओं में अपनी पहचान बनाने से पहले उन्हें चेन्नई तमिलनाडु के लायक बनने और लक्ष्मी शादी करने के दो बेटी के साथ देखा गया। बाबू ने तेलुगु सिनेमा सर्वप्रथम 1989 में अपने शुरुआत किया, जो पिता द्वारा निर्मित पीवी मधुसूदन राव पर निर्देशित था। उसी वर्ष उन्होंने एडवोन अभिनय मडून में अभिनय किया
और उनके अभिनय के व्यावसायिक सफल रही। 1992 के रिलीज के साथ की गई और पौराणिक के साथ काम पर देखा गया, जहां पर 1993 में राम गोपाल वर्मा द्वारा निर्देशित गायक के रूप में अपनी सफलता हासिल की। उन्होंने एस बी कृष्णन रेड्डी द्वारा निर्देशित मावी चूरन में काम किया और अपने भूमिका के लिए 1996 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार जीता। समीक्षा की और 1997 में सुभाष कासू और पिल्लानी के पंडिर जैसी रनवेट हिल फिल्म देखी गई। वहीं पर 1998 में उन्होंने अवंतपुरम के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता व नंदिनी पुरस्कार जीता। उन्होंने थिएटर के मनोरम में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता और 2003 में उन्होंने गड़बड़ी अथावेक ओकाल्स के साथ कर दिया, जहां पर बात करते हुए कला प्रदर्शन द्वारा सिनेमा में उनके योगदान के लिए सुना गया और भूषण पुरस्कार मिला। उनकी पहली तमिल मद्रासी फिल्म है जो 2012 के तमिल एडवोम में प्रतिस्पर्धित के रूप में दिखाई दी। इसके बाद जय बोलो गंगा के मुख्य भूमिका निभाई, जिसमें 5 नंदिनी पुरस्कार जीते और 2012 में उन्होंने कनाडा फिल्म बचपन के साथ पुलिस के रूप में शुरुआत किया। 2014 के बाद बाबू ने अपनी पहली पसंद भूमिका में पूरी तरह से बदल लिया, जिससे वे दूसरी पारी कहते हैं और बाबू को तब तक एक प्रमुख अभिनेता थे जो अपने करियर के क्रावोग्राफर को बनाए रखते हैं और विरोधी को सहायक भूमिका निभाते हैं और वह एक सफल फैसला करते हैं। इसमें पहली नंदमूरी बालकृष्ण स्टार लेजर द्वारा काम किया गया और समीक्षा के साथ देखा गया, जिसमें बार बार एक विरोधी की भूमिका को उजागर किया और जितेश सारथी द्वारा निर्मित के साथ बताया गया। वहीं प्रदर्शन की गई और प्रशंसा भी किया गया, जहां पर रजनीकांत के साथ नकारात्मक भूमिका के साथ 2015 में देखा गया। बताया जाता है कि यह फिल्म काफ़ी बेहतरीन है और काफ़ी अच्छी है। वहीं पर 2018 में रंगस्थल सुकुमार के निर्देशन बाबू और नामांकन गाँव के दमनकारी के साथ भूमिका निभाई, जहाँ पर 2 मिलियन से अधिक कमाई की और रंगस्थल उस वर्ष का सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म था। और इसके साथ ही पता चला कि गुंडाचारी में एक बांग्लादेशी आतंकवादी की भूमिका निभाई जो एक स्लीपर हिट बन गई। उनकी भूमिका को त्रिवंत श्रीवास द्वारा निर्देशित और अरविंद समिता के वीरा राघव द्वारा तैयार किया गया और 2018 को उनके करियर की बेहतरीन प्रदर्शनों के रूप में जाना जाता है। 2019 में उनके उल्लेखनीय रचना महर्षि थियाईस नरसिम्हा रेड्डी के साथ महत्वपूर्ण भूमिका के लिए देखे गए। बताया जाता है कि यह फिल्म काफ़ी बेहतरीन है और काफ़ी अच्छी है। रामबन 2023 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन थिएटर फिल्म के निर्देशक है, जो श्रीनिवास के भूपति राजा द्वारा लिखित और कहानी पर किया, जहां पर इसमें गोविंद चंद के डिंपल कवाडिया, अरोरा और सचिन खेटकर जैसे कलाकारों की टुकड़ी इसका निर्माण और पीपल मीडिया ट्रैफिक के तहत टीजा विश्व प्रसाद और विवेक कुछ भोटा के साथ देखे गए, जहां पर साउंडट्रैक और बैकग्राउंड स्कोर की रचना मिक मेजर द्वारा किया गया। समीक्षा की और बात की और यह कहा। हेलो दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ रामबाण फिल्म के बारे में, जो 2023 की भारतीय तमिल भाषा की और तेलुगु भाषा की फिल्म है, जिसे निर्देशक श्री निवास द्वारा और भूपति राजा के निर्देशन में लिखी गई और कहानी पर जोर दिया गया। इसमें गोविंद चंद, डिंपल, हाइस और जगपति बाबू, नायर्स, निवेल्स, किशोर, तिरवंत, अरोरा और सचिन खेड़कर जैसे कलाकारों की टुकड़ी है। इसका निर्माण पीपल मीडिया फैक्ट्री के तहत टीजी विश्वास प्रसाद और विवेक कुची भोटपा ने किया था, जहां पर साउंडट्रैक और बैकग्राउंड को स्कोर की रचना की और मिक जे मेयर के साथ काम किया। इसके निर्देशक में श्रीनिवास है, वहीं पाठकथा के लेखक भी श्रीनिवास है। वहीं संपादक की बात करें तो मधुसूदन दंपति है, वहाँ कहानी भूपति राजा द्वारा दिया गया। वहीं इसकी उत्पादन टीजी विश्व श्री प्रसाद और विवेक कुचिमभोटा के साथ देखा गया। अभिनेता के रूप में गोविंद चंद, डिंपल, हाईस्ट्रीट और जगपति बाबू है। छाया खान के रूप में वेलिंग और पायलन सीमा है। जहाँ पर बात किया जाता है इसका संपादक की तो प्रवीण मोडी है। वहीं संगीत को मिकी जे मेयर द्वारा दिया गया और इसकी प्रोड्यूसर कंपनी लोक मीडिया फैक्ट्री रखी गई। यह रिलीज की तारीख 5 मई 2023 रखी गई। यह कार्यक्रम समय 140 मिनट रखा गया। यह भारत के तेलुगु भाषा के साथ इसे लॉन्च किया गया।
रामबाण को 5 मई 2023 को दुनिया भर में रिलीज कर दिया और आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली। कोलकाता के एक गैंगस्टर विक्की को पता चला कि उसका भाई राजा राम जी के से खतरे में है, जो खादी धोखाधड़ी का कारोबार चलाता है और अपनी प्रेमिका भैरवी के साथ सुलझाने और सुलझाने के बाद उसे मुद्दे को संभालने के साथ उसकी रक्षा करने का फैसला करता है, जिसके बाद काफी ज्यादा मुक्त रूप से इसे देखा जाता है और यह फिल्म 5 मई को रिलीज कर दिया जाता है। रामबांध को आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली। द टाइम्स ऑफ इंडिया के नीतीश न्यायपति ने लिखा कि रामबांध का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें पेशकश करने के लिए कुछ भी नहीं है और यह एक जो पेशकश करता है वह सादा उपजाऊ है, जो 123 तेलुगु में 5 में से 2.5 स्टार दिया गया और लिखा गया कि रामबाण नियमित व्यवसायिक पोटा बोलर है जिसमें कोई नया नाप नहीं है। गोविंद चंद का प्रदर्शन पहली 6 मई में कुछ कॉमेडियन दृश्य और एक्शन सीक्वेंस फिल्म में केवल प्लान पोस्टिस के साथ द हिंदू भुवनेश्वर चंद्र ने लिखा और निर्देशन किया, जहां पर श्रीनिवास की पहली व्यावसायिक मनोरंजन पैकेज के करने में के साथ अपने प्रयासों में विफल रही, जहां पर केवल इसकी पेदाचिरी कथनांक की गई, जिसका क्षमा और भटकाने के लिए मामले को कदरन बनाने का इसमें अजीबोगरीब चुटकुटाते हास किए गए। बताया जाता है कि यह फिल्म काफ़ी बेहतरीन है और इसे काफ़ी ज़्यादा दर्शकों ने भी पसंद किया और अच्छा रिस्पॉन्स किया। जहां पर देखा जाए तो इसकी समीक्षा की ओर आगे बढ़ता है और सिनेमा एक्सप्रेस के साथ देखे जाते हैं और 5 में से केरुकुलिक द्वारा 2.5 स्टार लिखा गया और जबकि फिल्म को पहलू अस्पष्ट रूप से इसके पक्ष में काम करते चाहते हैं वह अस्पष्ट अंतर्राष्ट्रीय स्थानों में शूट किए गए, जहां पर 3 अनमोल रोमांटिक नंबर हो या इसके असंबंध गलत विरोधी रमा बनम भी भारी लड़खड़ाते अपर्याप्त संघर्ष या परिणामों के बिना अपने नायक के ऊपर उठाने के अपने बड़े पैमानों का अनुपात दृष्टिकोण कारण के OT2 प्लेट के श्री त्वंस के सदा धूर्ण के साथ काम किया। 5 में से 2 सितारे दिए गए और लिखा गया कि रामबाण थकाव देने वाला व्यावसायिक मनोरंजन फिल्म है जो शुरू से ही सहनीय है लेकिन मध्यांतर के बाद इज्जत खो देता है, जहां पर गोविंद चंद जरूरतमंद करते हैं लेकिन लेखक और दृश्य प्रभाव करने के लिए बहुत कुछ करती है और जीवन को 2 भाइयों के इर्द गिर्द अजमाए और परखे हुए खाक में बदलना चाहती है। जहां पर फिल्म के कॉम्पिनियन के साथ राम वेंकट और श्रीकर द्वारा लिखा गया रामबांध को एक कई नाटकीय क्षणों के आवश्यकता जी था जो पात्रों और नाटक की कृतिमन से परे था, जो एक बिंदु पर चरित्र मजाक में तारीफ करता था। वहीं पर समीक्षा की और बात किया और इसको आगे बढ़ाया, जहां पर फिल्म के कंपनियों वेंकटेश द्वारा राम द्वारा लिखे गए और नाटकीय क्षणों को आवश्यक था जो पात्रों और नाटक के कृतिन से परे थे और एक बिंदु पर एक चित्रण के मजाक में तारीफ करता कि राजा राम पर घर शूटिंग स्थान करता है और मजाजे तारीफ करता है, जहां पर राम बांध के शूटिंग जितना अच्छा दिखता है ऐसा इसलिए है क्योंकि यह वास्तव में शूटिंग का स्थान है, बिल्कुल यह जैसा दिखता है। दृश्य मंच अभिनेता के साथ फ्रेम आबाद करके मुश्किलों का संवाद बोलना पड़ता है, दृश्य के कुर्तुमियों से कृति का प्रस्तुति करता है। बताया जाता है कि इसका अभिनेता की बात करें तो गोविंद चंद है। कहा जाता है कि गोविंद चंद का पूरा नाम टेटो पुरिक गोविंद चंद है, जिनका जन्म 12 जून 1989 को एक भारतीय अभिनेता के रूप में हुआ, जो प्रमुख रूप से तेलुगु सिनेमाओं में काम करता है और एक्शन फिल्मों में अपनी फिल्मों के साथ जाने जाते हैं और उन्होंने मुख्य अभिनेता थोली वालाई के साथ 2001 के साथ अपनी शुरुआती की और जयम के साथ 2002 और निजम 2003 के वर्षम 2004 जैसी फिल्मों के विरुद्ध के साथ भूमिका के बाद 2004 के अवज्ञन के साथ सफलता मिली। वहीं पर बताया गया कि यह फिल्म काफी बेहतरीन है और इसके उल्लेखनीय कृतियों के एक बात किया गया और इन्होंने बहुत सारे फिल्मों में काम किया। इनकी प्रारंभिक जीवन की बात करें तो गोविंद चंद का जन्म आंध्र प्रदेश के प्रकाश जिले के तिरुवनंतपुरम पास एक गाँव में हुआ था। वह फिल्म निर्माता टी कृष्णन के छोटे बेटे थे और 8 साल के थे तभी पिता की मृत्यु गई थी। उन्होंने नी डेस्परोइड द्वारा उगेन के साथ उनके पिता का स्थापित और रामकृष्ण
में मिशन स्कूल चेन्नई के स्कूल शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने रूस में मैकेनिक इंजीनियरिंग का अध्ययन किया। उनके बड़े भाई प्रेमचंद्र के मुथैया सुबियान के अधीन एक सहयोगी निदेशक थे और उन्होंने निर्देशन के रूप में काम करना शुरू कर दिया। हालांकि एक कार दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। गोविंद चंद का वक्त रूस में थे और वीजा संबंधित दिक्कतों के चलते उनके अंतिम संस्करण में शामिल नहीं हो सके। उनकी एक छोटी बहन भी है जो दत्तक चिकित्सक है। अपनी इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद उन्होंने अपनी पिता के विरासत को जारी रखने के लिए फिल्मों में अपना करियर बनाने का फैसला किया और एक साल के लिए डायलॉग मोस्टिडलेसन कोर्स किया, जहाँ पर वह प्रभास भी वामसी रेड्डी और बाद में दो प्रमोद उपपत्ति के करीबी दोस्त हैं जो यूवी क्रिएट्स के मालिक हैं, जो तेलुगु सिनेमाओं के रूप में प्रोड्यूसर हाउस हैं। गोविंद चंद ने फिल्म को अथोली के वलप्पुई के साथ मुख्य भूमिका निभाई। उन्होंने अपनी अगली फिल्मों में जय निजाम और वामसम के नकारात्मक भूमिका निभाई, जहां पर जय में उनके प्रदर्शन के प्रति सकारात्मक स्वागत के बाद की गई, जहां पर उन्होंने अपने फिल्म तमिल भाषा और उसी दृश्य के रीमेक के साथ अपने करियर की आर दोहराई। वहीं पर 2004 में अवज्ञक, 2005 के अद्वंत फिल्मों के साथ नायक के रूप में अपनी वापसी की। 2006 में उन्होंने व्यावसायिक रूप से सफलता हासिल किया और राम नाम के साथ देखे गए और उनकी बात की, जहां पर अपने व्यवसाय को सफल बनाने के बाद रामवंत और व्यावसायिक रूप से असफल रूप से सफल राम का साथ मिला, जहां पर उनकी 2007 में रिलीज ओका नायडू और लक्ष्मय और 2008 की रिलीज ओटी आरी है, जो सौंदर्य के साथ उनको एक बार फिर से खूबसूरत संयम को रिलीज करती है। उनकी रिलीज 2010 के गोविंद मार में हुआ था। उन्होंने वास्तविक जीवन पुलिस वाले दायक नायक से प्रेरित एक मुठभेड़ विशेषज्ञ की भूमिका निभाई थी और देखा था। वहीं पर 2011 में उन्होंने मोगुड और वांटेड में अभिनय किया, लेकिन दो अन्य व्यावसायिक में काम करने के बाद के रूप असफल रही। 2013 में उन्होंने एक्शन एडवेंचर फिल्म सहायस के लिए निर्देशन शुरू किया और चंद्रशेखर रियल्टी के ओक्योंड द्वारा बाद के बाद साथ फिर से काम किया गया, जो उस समय उनकी सबसे बड़ी व्यावसायिक रूप से सफलता मिल गई और बन गई। 2004 में उन्होंने कोयला में व्यावसायिक रूप से अभिनय किया और उनकी सबसे सफल फिल्म बन गई। 2015 में उन्होंने जिले और कुख्यात में अभिनय किया, जहां पर 2017 के साथ उन्होंने अभिनय किया और गौतम नंदा को ओजिशन, जो व्यावसायिक रूप से असफल रहे। वहीं उनकी अगली फिल्म आराम बुलेट के साथ उसने असली रिलीज के होने के बाद की गई, लेकिन 2021 के साथ अपने काम किया गया और यह नियमित नाटक के बन गई, जिसमें एक और झटका लगा और उन्होंने पथक में एक सतर्क व्यक्ति की भूमिका निभाई, जो 25वीं फिल्म थी। 2019 में चाणक्य के एक जासूसी भूमिका निभाई, जहां पर सितंबर 2021 के संपत नंदनी द्वारा निर्देशित स्पोर्ट्स एक्शन के सीतामरण को सकारात्मक समीक्षा मिली और बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। फिल्म के सहकलाकारों और तमाम विवाह के साथ सूर्यवंशी की भूमिका के चावला के साथ उन्होंने एक अन्य फिल्म पक्का करिश्माइक पर काम किया, जो मूर्ति के साथ निर्देशन में किया गया था और मूवी क्रिप्ट्स द्वारा दो पिक्चर्स द्वारा निर्मित किया गया था। कहा जाता है कि जिसमें नायक की भूमिका के रूप में राशि खन्ना की श्रीनिवास द्वारा निर्देशित और उनकी अगली फिल्म रामनजीक द्वारा 2023 को घोषित किया गया था और यह फिल्म श्रीनिवास और गोविंद चंद के हैट्रिक संयोजन की वापसी का प्रतीक है, जो गोविंद चंद के 30 फिल्मों के रूप में चिन्हित किया। वहीं पर उनका और पालन पोषण आंध्र प्रदेश के तिरुवनंतपुरम में हुआ था और उन्होंने 2013 के तेलुगु अभिनेता श्रीकांत के भतीजा रेशमा के शादी के साथ इस जोड़ी के दो बेटों के साथ किया था समीक्षा की और बात किया और इन्हें पुरस्कार भी मिला। वहीं पर देखा जाता है कि यह फिल्म काफी बेहतरीन है, जहां पर अपनी भूमिका के साथ देखे गए। वहीं पर डिंपल हायती है, बताया जाता है कि डिंपल हायती जो भारतीय अभिनेत्री है, जो
प्रमुख रूप से तेलुगु सिनेमाओं में काम करती। बताया जाता है कि हाइती का जन्म आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में हुआ था, जो तमिल पिता और तेलुगु भाषी माँ के घर में हुआ था। उनका पोषण हैदराबाद में हुआ था, पालन पोषण और उनका जन्म डिंपल कबाडिया के रूप में हुआ था, लेकिन बाद में संघात्मक कारणों और अपना अंतिम नाम हाइती के साथ एक साथ जोड़ लिया। हाइती को 19 साल की उम्र में तेलुगु के फिल्म गल्फ में 2017 में डेब्यू करने का मौका मिल गया और अपने करियर की शुरुआत के बाद हाइती ने द्विभाषी फिल्मों देवी टू के साथ 2019 में अभिनय करके पहले एक तेलुगु फिल्म यूरके से अभिनय किया, जहां पर उनकी अगली उपस्थिति थी। फिल्म गोना कोंडा में गणेश 2019 के वरुण तेजा और अरवंत के साथ एक लाइटोम नंबर जारी गीत के साथ देखा गया। समीक्षा की और बात किया और आरएस शरद कुमार में देखा जाता है, वहीं पर कहा गया कि यह फिल्म काफ़ी बेहतरीन है, जिसके फिल्म के कोरियोग्राफर को भी पसंद किया गया। वहीं पर अभिनेता के रूप में आखिरकार जगपति बाबू भी नजर आए हैं। जगपति बाबू का पूरा नाम वीरांत चेची जगपति चौधरी है, जिनका जन्म 12 फरवरी 1962 को हुआ, जिन्होंने पेशेवर रूप से जगपति बाबू उच्चारण सहायक जानकारी के नाम से जाना जाता है। एक भारतीय अभिनेता है जो प्रमुख रूप से तेलुगु सिनेमाओं में काम करने के लिए जाने जाते हैं और कुछ तमिल, कन्नड़ और मलयालम फिल्मों में भी दिखाई देते हैं। 33 साल की उम्र में बाबू ने फिल्म का पुरस्कार जीता और साथ राज्य नंदनी पुरस्कार प्राप्त किया। वहीं पर बात करें तो इनकी प्रारंभिक जीवन की, तो जगपति बाबू का जन्म 12 फरवरी 1962 को मछिलपट्टनम के अनुभवी निर्माता निर्देशक बीबी राजेंद्र प्रसाद के घर हुआ था, जो तेलुगु सिनेमाओं में अपनी पहचान बनाने से पहले उन्हें चेन्नई तमिलनाडु के लायक बनने और लक्ष्मी शादी करने के दो बेटी के साथ देखा गया। बाबू ने तेलुगु सिनेमा सर्वप्रथम 1989 में अपने शुरुआत किया, जो पिता द्वारा निर्मित पीवी मधुसूदन राव पर निर्देशित था। उसी वर्ष उन्होंने एडवोन अभिनय मडून में अभिनय किया और उनके अभिनय के व्यावसायिक सफल रही। 1992 के रिलीज के साथ की गई और पौराणिक के साथ काम पर देखा गया, जहां पर 1993 में राम गोपाल वर्मा द्वारा निर्देशित गायक के रूप में अपनी सफलता हासिल की। उन्होंने एस बी कृष्णन रेड्डी द्वारा निर्देशित मावी चूरन में काम किया और अपने भूमिका के लिए 1996 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार जीता। समीक्षा की और 1997 में सुभाष कासु और पेल्लानी के पंडिर जैसी रनवेट हिल फिल्म देखी गई। वहीं पर 1998 में उन्होंने अवंतपुरम के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता अवनंदनी पुरस्कार जीता। उन्होंने थिएटर के मनोहरम में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता और 2003 में उन्होंने गड़बड़ी अथावेक ओकाल्स के साथ कर दिया, जहां पर बात करते हुए कला परिषद द्वारा सिनेमा में उनके योगदान के लिए सुना गया और भूषण पुरस्कार मिला। उनकी पहली तमिल मद्रासी फिल्म है, जो 2012 के तमिल एडवोम में प्रतिस्पर्धित के रूप में दिखाई दी। इसके बाद जय बोलो गंगा के मुख्य भूमिका निभाई, जिसमें 5 नंदनी पुरस्कार जीते और 2012 में उन्होंने कनाडा फिल्म बचपन के साथ पुलिस के रूप में शुरुआत किया। 2014 के बाद बाबू ने अपनी पहली पसंद भूमिका में पूरी तरह से बदल लिया, जिससे वे दूसरी पारी कहते हैं और बाबू को तब तक एक प्रमुख अभिनेता थे जो अपने करियर के क्रावोग्राफर को बनाए रखते हैं और विरोधी को सहायक भूमिका निभाते हैं और वह एक सफल फैसला करते हैं। इसमें पहली नंदमूरी बालकृष्ण स्टार लेजर द्वारा काम किया गया और समीक्षा के साथ देखा गया, जिसमें बार बार एक विरोधी की भूमिका को उजागर किया और जितेश सारथी द्वारा निर्मित के साथ बताया गया। वहीं प्रदर्शन की गई और प्रशंसा भी किया गया, जहां पर रजनीकांत के साथ नकारात्मक तो भूमिका के साथ 2015 में देखा गया। बताया जाता है कि यह फिल्म काफ़ी बेहतरीन है और काफ़ी अच्छी है। वहीं पर 2018 में रंगस्थल सुकुमार के निर्देशन बाबू और नामांकन गाँव के दमनकारी के साथ भूमिका निभाई, जहाँ पर 2 मिलियन से अधिक कमाई की और रंगस्थल उस वर्ष का सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म था। और इसके साथ ही पता चला कि गुंडाचारी में एक बांग्लादेशी आतंकवादी की भूमिका निभाई, जो एक स्लीपर हिट बन गई। उनकी भूमिका को त्रिवंत श्रीवास द्वारा निर्देशित और अरविंद समिता के वीरा राघव द्वारा
तैयार किया गया और 2018 को उनके करियर की बेहतरीन प्रदर्शनों के रूप में जाना जाता है। 2019 में उनके उल्लेखनीय रचना महर्षि थियाईस नरसिम्हा रेड्डी के साथ महत्वपूर्ण भूमिका के लिए देखे गए। बताया जाता है कि यह फिल्म काफी बेहतरीन है और काफी अच्छी है। रामबन 2023 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन थिएटर फिल्म के निर्देशक है, जो श्रीनिवास के भूपति राजा द्वारा लिखित और कहानी पर किया, जहां पर इसमें गोविंद चंद के डिंपल कवाडिया, अरोरा और सचिन खेडकर जैसे कलाकारों की टुकड़ी इसका है निर्माण, और पीपल मीडिया ट्रैफिक के तहत टीजा विश्व प्रसाद और विवेक कुछ भोटा के साथ देखे गए, जहां पर साउंडट्रैक और बैकग्राउंड स्कोर की रचना मिक मेजर द्वारा किया गया। समीक्षा की और बात की और यह